गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग काजल यादव चौधरी अमित वर्मा जी कश्यप अभय राहुल निशा पारुल, मयंक इमरान, गुंजन राहुल ओम शिवम खुशी डीपीके, हरिओम सत्यम कुंदन रॉक्सी आदित्य रवि दीपेश ममता सौरभ दीप्ति गोलू आदेश शालिनी रवि उत्तम क्या हालचाल भैया आप लोगों के गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो भाई आप लोगों को बड़ा इंतजार था सर कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दो कैलेंडर पढ़ा दो कैलेंडर पढ़ा दो तो आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर की एक सिंगल क्लास जिसमें कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन है जो कैलेंडर चैप्टर में पूछे जा सकते हैं हर टाइप के प्रश्नों का उत्तर आज आप देंगे कैलेंडर से रिलेटेड तो तैयार हो जाओ कमर कस लो है सीट की बेल्ट बांध लो हाँ जी पेटी बांध लो बेटा चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन लेके प्रभु का नाम जय राम तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से निम्नलिखित में से विषम छाटिए इनमें से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है तो जो अलग नंबर है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है बेसिकली ये बेटा ये इयर्स के नेम है ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वर्ष के नाम लिखे हुए हैं और हम जानते हैं कि उन्नीस सौ बानवे 1882 है ना सिर्फ बानवे ही एक ऐसा वर्ष है जो कि लीप ईयर है क्योंकि इसमें चार से पूरा पूरा भाग जाएगा बेटा जब हम चार का भाग देते हैं तो लास्ट की दो डिजिट में हम फोर से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन जो 1900 है इसमें हमें चार से भाग नहीं देना यहां पर तो हम चार से भाग देंगे लेकिन यहां पर इसको लीप ईयर चेक करने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है 400 से पूरा भाग जा नहीं रहा तो ये लीप ईयर नहीं है बेटा यहाँ भी 400 से पूरा भाग नहीं जा रहा ये भी लीप ईयर नहीं है और यहाँ पर हम चार से भाग देंगे चार से भाग नहीं जा रहा तो इस वर्ष में जो फरवरी थी वो अट्ठाईस दिन की थी इसमें भी जो फरवरी थी वो अट्ठाईस दिन की थी और इस वर्ष में भी जो फरवरी थी वो अट्ठाईस दिन की थी लेकिन उन्नीस में जो फरवरी थी वो उन्तीस दिन की थी समझ रहे हो क्योंकि 92 कंप्लीटली फोर से डिविजिबल है 82 बेटा फोर से डिविजिबल नहीं है और यहां पर हम चार की जगह चार सौ से भाग देंगे चार सौ से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसीलिए इन चारों वर्ष में जो सबसे डिफरेंट है वो क्या है उन्नीस सौ बानवे बहुत बढ़िया दो और दो के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए है।, है ना हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है अधिवर्ष जब हम लीप ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जैसे कि 2009 और 2019 में कितने वर्ष का अंतर है 10 साल का अंतर है और हम हमेशा नंबर ऑफ लीप ईयर निकालते हैं चार से भाग देकर भैया जितनी बार चार से भाग जाए उतने उसमें लीप ईयर होंगे जबकि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है है ना लीप ईयर बेटा डिफरेंस ईयर पे डिपेंड नहीं करते हैं यहां हम सीधा चार से भाग देके लीप ईयर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हमें इंडिविजुअल लीप ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होती है तो जरूरी नहीं है कि हर चार साल बाद लीप ईयर आए कभी कभी लीप ईयर आने में ना बेटा आठ साल का भी अंतर आता है पता है आपको जैसे कि अठारह सो अठारह सो बानवे एक लीपियर है बिल्कुल है है ना अठारह सो छियानवे भी एक लीप ईयर है बिल्कुल है लेकिन उन्नीस सौ एक ईयर नहीं है फिर उन्नीस सौ चार है तो हमने देखा कि चार साल बाद लीप ईयर आया लेकिन अब सीधा लीप ईयर आया है आठ साल बाद तो जरूरी नहीं है कि हर चार साल बाद जो आपका लीप ईयर रिपीट होता है कभी कभी लीप ईयर को रिपीट होने में आठ साल भी लगते हैं ऐसा तब होता है जब बीच में एक ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप सेंचुरी ईयर ना हो ठीक है तो लीप ईयर को रिपीट होने में आठ साल भी लगते हैं तो यहां पे चार से भाग मत दो बेटा ये बताओ 2009 लीप ईयर है सर 2009 लीप ईयर नहीं है नौ के बाद दस वो भी लीप ईयर नहीं है ग्यारह भी नहीं है बारह तो पहला जो लीप ईयर है वो बारह ईयर है और जनरली हर चार साल बाद लीप ईयर आता है जनरली तो बारह और चार सोलह सिर्फ और सिर्फ दो ही लीप ईयर बीच में होंगे यहां पर डेफिनेटली सिर्फ दो ही लीप ईयर बीच में है दो हजार बारह और दो हजार सोलह समझ लो हाँ जी दो ही लीप ईयर है बट वो दस साल में तीन भी हो सकते थे दस साल में एक ईयर भी आ सकता था उनके बीच में बट यहां पर दो ही ईयर थे पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे हाउ मेनी द फर्स्ट सेंचुरी आपको पता है कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है है ना वो एक से लेके सौ वर्ष है कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है तो कैलेंडर के पहले सौ वर्ष में कितने लीप ईयर आए थे क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं डन गुड जॉब बेटा अगर आप सौ को चार से भाग दोगे तो भाग जाएगा पच्चीस बार तो आपको लगेगा सर पच्चीस ईयर होंगे लेकिन जो सौवी वर्ष है बेटा वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर है इसीलिए हमें माइनस एक करना पड़ेगा जो सौवी वर्ष है ना वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है वो एक साधारण वर्ष है इसीलिए पच्चीस की जगह एक शताब्दी में चौबीस ईयर होते हैं दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीपियर थे दूसरी शताब्दी बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है 200 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं बेटा 200 वर्ष में नहीं पूछे जा रहे देखो 48 आंसर दे रहे हैं बहुत बच्चे 48 आंसर दे रहे हैं सारे के सारे मुर्गा बन जाओ फटाफट से जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया 48 सारे मुर्गा बन जाओ जोर से चिल्लाओ कुकड़कू यही गलती आप एग्जाम में कर देते हो बेटा हमसे दो वर्ष में ईयर नहीं पूछे जा रहे हमसे पूछे जा रहे हैं दूसरी शताब्दी में लीप ईयर और जो दूसरी शताब्दी थी हमारी बेटा वो 101 से लेके 200 वर्ष तक थी दूसरी शताब्दी में भी कुल 100 वर्ष ही हैं दूसरी शताब्दी में भी कुल 100 वर्ष ही है समझ रहे हो ये 200 वर्ष की बात नहीं हो रही चार से भाग दोगे चार से भाग जाएगा पच्चीस बार फिर से पच्चीस लीप ईयर नहीं होंगे पूछो क्यों क्योंकि जो दो सौ भी वर्ष है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है इसीलिए अगेन हमें माइनस ए करना पड़ेगा तो दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप ईयर थे पहली शताब्दी में भी 24 लीप ईयर थे है ना ये 200 वर्षों में नहीं पूछ रहा है दूसरी शताब्दी में पूछ रहा है चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे अब बताओ बेटा चौथी ये नहीं पूछ रहा 400 वर्षों में ये पूछ रहा है चौथी शताब्दी में कितने लीप थे और आप जानते हैं चौथी शताब्दी का मतलब चौथी शताब्दी तीन एक से लेकर चार तक चली है हमारी इसमें भी टोटल सौ वर्ष है और इन सौ वर्ष में चार से भाग दोगे अब पूरे पच्चीस लिपियर निकल कर आएंगे पूछो क्यों क्योंकि जो चार सौ वर्ष है अब जो चार सौ वर्ष है वो लीप सेंचुरी ईयर है भैया वो लीप शताब्दी वर्ष है चार सौ वर्ष इसीलिए अब पूरे कितने लिपियर काउंट करोगे पच्चीस लिपियर काउंट करोगे ना कि चौबीस तो पहली शताब्दी में चौबीस थे दूसरी में चौबीस तीसरी में चौबीस लेकिन चौथी शताब्दी में पूरे पच्चीस लिपियर आए हैं चौथी शताब्दी में पूरे पच्चीस लिपियर आए हैं अच्छा 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है <coh> ये बताओ 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी सर जाहिर सी बात है 400 वर्षों में उतनी बार 29 फरवरी आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे क्योंकि लीप ईयर में ही 29 फरवरी आती है तो 400 वर्षों में टोटल ईयर कितने हैं अब आप बताओ भैया 400 वर्षों में टोटल ईयर चार से भाग करोगे 400 वर्षों को भाग जाएगा कितनी बार सौ बार तो हमारे सौ ईयर आने चाहिए लेकिन हम जानते हैं चार सौ वर्षो तक तीन ऐसी शताब्दी है जो ईयर नहीं है पहली शताब्दी यानी कि सौ भी वर्ष दूसरी शताब्दी यानी कि दो सौ भी वर्ष और तीसरी शताब्दी यानी कि तीन सौ भी वर्ष ये तीन ऐसी शताब्दी है जो ईयर नहीं काउंट हो रही है इसीलिए पूरे 400 वर्षों में 100 लीप ईयर होनी चाहिए बट तीन शताब्दी ऐसी है जो कि लीप ईयर नहीं है इसीलिए माइनस तीन करना पड़ेगा और पूरे 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं सत्तानवे ईयर होते हैं और जितने लीप ईयर उतनी बार उनतीस फरवरी आएगी जितने लीप ईयर उन्तीस बार ठीक है हाँ जी चार वर्षों में कुल कितनी बार उनतीस तारीख आएगी भैया उनतीस तारीख देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है अगर एग्जाम में आए 29 फरवरी कितनी बार आती है तो सत्तानवे बार लेकिन अगर एग्जाम में आए 29 तारीख कितनी बार आती है 29 तारीख तो बेटा सत्तानवे आंसर टिक मत कर देना क्योंकि 29 तारीख हर महीने में अभी आती है 29 तारीख जनवरी में भी आती है फरवरी में, में भी आती है मार्च में भी आती है अप्रैल में भी आती है उनतीस तारीख तो हर महीने में आती है और हम जानते हैं एक साल में एक साल में पूरे बारह महीने होते हैं अगर मैं <ambulancewnychologie> अगर मैं फरवरी को हटा दू अगर मैं फरवरी को हटा दू तो कितने महीने बचे एक साल में ग्यारह महीने बचे अगर हम फरवरी को हटा दे तो एक साल में ग्यारह महीने बचे और हर महीने में उनतीस तारीख आती है तो एक साल में ग्यारह बार डेफिनेटली 29 तारीख आएगी तो पूरे चार सौ साल में पूरे चार सौ साल में कितनी बार उनतीस तारीख आएगी चार सौ इंटू ग्यारह यानी कि चौवालीस सौ बार अच्छा इसमें हमने फरवरी नहीं जोड़े अच्छा कितने ऐसे फरवरी हैं चार सौ वर्षो में जो उनतीस तारीख के बने हैं सत्तानवे ऐसे फरवरी हैं अभी थोड़ी देर पहले काउंटिंग की तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा चौवालीसो सत्तानवे बार चौवालीसो सत्तानवे बार बहुत बढ़िया चलिए यदि आज मंगलवार है यदि आज मंगलवार है तो आज से सैंतीस दिन बाद कौन सा दिन होगा देखो कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का जब हम दिन निकालते हैं तो सीधा ऑड डेज की वैल्यू निकालो ऑडेस निकालना बड़ा आसान होता है विषम दिनों की संख्या सात से भाग देने पे जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा जो भी बचेगा वही हमारा ऑडेस होता है कैलेंडर में सात की साइकिल बनती है क्योंकि कैलेंडर में हर सात दिन बाद वही दिन रिपीट होता है हम जानते हैं ना हर सात दिन बाद वही दिन रिपीट होता है सेम 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 रिपीट होता है तो बेटा जब हम सैतीस को सात से भाग देंगे तो सात पंजे पैतीस कितना बचा दो बचा सात पंजे पैतीस दो बचा भैया दो ऑडेस आ गए सैंतीस का मतलब होता है दो क्योंकि हम जानते हैं कि सैंतीस दिन बाद भी वही दिन होगा जो दो दिन बाद होगा क्योंकि सैंतीस का मतलब दो है सात पंजे पैंतीस कितना बच्चा दो बच्चा दो अच्छा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जब भी हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो निकाले गए और को प्लस कर देंगे और अगर मैं कैलेंडर में पीछे जाऊंगा तो निकाले गए और को माइनस कर दूंगा आज मंगलवार है तो सैंतीस दिन बाद क्या होगा यानी कि आज मंगलवार है तो सैंतीस दिन बाद यानी कि दो दिन बाद क्या होगा मंगलवार में दो जोड़ दो बुद्ध बृहस्पत आंसर आ जाएगा थर्सडे यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था 22 दिन पहले कौन सा दिन था अच्छा इसमें ना हमें पीछे की डेट पता लगानी है बाईस दिन पहले बाईस का मतलब कितना बचा बच्चा इक्कीस कितना बचा एक यानी कि एक और डे आ गया है ना कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं पीछे जाने पर निकालेगा इसको माइनस वन कर देंगे गुरुवार माइनस वन क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर कुछ ही सेकंड में चुटकी ही आज चार अगस्त को मंगलवार का दिन है भैया चार अगस्त को मंगलवार का दिन है तो इसी माह की छब्बीस तारीख को इसी माह की छब्बीस तारीख को कौन सा दिन होगा बाबू छब्बीस और चार छब्बीस में से चार कम कर दो बाईस बचे बाईस का मतलब क्या होता है एक दिन भैया चार और छब्बीस में बाईस दिनों का अंतर है बाईस का मतलब सात इक्कीस कितना बचा एक कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे सर चार तारीख का दिन पता है छब्बीस का निकालना है कैलेंडर में चार से छब्बीस आगे जा रहे हैं आगे जाने पर निकालेगा और डेज को प्लस करोगे तो मंगलवार प्लस वन क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा मंगलवार प्लस वन क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा हाँ जी किसी महीने की तीस तारीख को रविवार है उसी महीने की एक तारीख को कौन सा दिन होगा तीस का पता है एक का पूछा है बेटा तीस और एक में कितने दिनों का अंतर होता है उनतीस सात चौक अट्ठाईस कितना बच्चा एक का मतलब क्या होगा एक होगा कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो सर तीस तारीख का दिन पता है एक का निकालना है कैलेंडर में पीछे जा रहा है पीछे जाने पर निकाले माइनस वन करेंगे रविवार माइनस क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा रविवार माइनस वन शनिवार हो जाएगा बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे यदि आज शुक्रवार है तो आज से सात सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा भैया हमें पता है वीक वीक जो होता है ना वो सेवन का मल्टीपल होता है सात का गुणज वीक हमेशा सात का मल्टीपल होगा तो नंबर ऑफ ऑट डेज इन वीक हमेशा जीरो और निकलेंगे तो तो है? है, तो बाद भी फ्राइडे होगा दो हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा तीन हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, होगा चार हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा सौ हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा हजार हफ्ते बाद भी फ्राइडे ही होगा क्योंकि वीक में ऑर्ड डे जीरो होते हैं सेम डे वही दिन रिपीट हो जाएगा हाँ जी यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के तीन दिन बाद क्या होगा यदि यदि कल जिन जिन का आशीर्वाद कल जिन जिन का एग्जाम है उनको हमारा आशीर्वाद पहले से ही है एकदम फोड़ दोगे तुम एग्जाम चिंता मत करो है वर्दी अब तुम्हारी पे ऐसी आएगी और कहीं नहीं आएगी यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के तीन दिन बाद क्या होगा देखो कैलेंडर में कुछ नहीं करना होता ऑड डेज निकालने होते हैं ऑड डेज होते हैं दिनों की कुल संख्या दिनों की कुल संख्या को सात से भाग दे रिमाइंडर निकाल दो तो भैया दिनों की कुल संख्या कितनी है, है यहां पर देखो बीते हुए कल का एक आ गया तीन दिन के तीन आ गए है ना आने वाले कल का एक आ गया तीन दिन के तीन आ गए तो टोटल दिनों की संख्या हो गई तीन और तीन छ सात आठ टोटल दिनों की संख्या हो गई आठ और आठ का मतलब सात एकम सात कितना बचा एक जब भी कैलेंडर में कोई भी नंबर सात या सात से बड़ा दिखाई दे उसको सात या सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो तो जीरो रिमाइंडर मतलब सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो आठ आठ का मतलब एक अच्छा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के तीन दिन बाद क्या होगा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं आगे है ना इफ थ्री डेज बिफोर यस्टरडे संडे देन वो विल बी थ्री डेज तो थ्री तो डेज का थ्री काउंट हो गया यस्टरडे का वन काउंट हो गया ना, थ्री डेज का थ्री काउंट होगा टुमरो का वन काउंट हो गया थ्री प्लस वन फोर और प्लस थ्री सेवन प्लस वन, वन कैलेंडर में आगे जा रहे आगे जाने पर प्लस वन संडे प्लस वन मंडे मंडे ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो याद रखना आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो रहा है टोटल डेस कैलकुलेट कर लो बस और सात से भाग देकर उसको छोटा कर दो कैलेंडर में आगे जा रहे हो प्लस कर दो पीछे जा रहे हो माइनस कर दो बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको और आप फटाफट 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 फटा 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 क्वेश्चन है ना सॉल्व होते चले नेक्स्ट यदि बीते हुए कल से पांच दिन पहले सोमवार था तो देखो बीते हुए कल का एक आ गया पांच का पांच आ गया तो आने वाले कल का एक आ गया और आठ का आठ आ जाएगा तो भैया एक और पांच छ और आठ चौदह चौदह और एक पंद्रह कुल दिनों की संख्या हो गई पंद्रह पंद्रह का मतलब क्या हो जाएगा सात दूनी चौदह कितना बच्चा एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं आगे जाने पर प्लस वन हो जाएगा सोमवार प्लस वन मंगलवार <coughs> यदि छह दिन बाद वा शनिवार है तो बीते कल से नौ दिन पहले कौन सा दिन था बताओ फटाफट से टोटल दिनों की संख्या निकाल लो बेटा टोटल <coughs> डेज की वैल्यू निकाल लो टोटल डेज कुल दिनों की संख्या कितनी है छह का छ हो गया यदि दिन बाद शनिवार है तो बीते कल का एक हो गया नौ का नौ हो गया तो भैया नौ और छह नौ और छह पंद्रह और एक सोलह टोटल दिनों की संख्या हो गई सोलह सात दूनी चौदह कितना बचा दो बचा दो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे यदि छह दिन बाद शनिवार है तो बीते कल से नौ दिन पहले कौन सा दिन था पहले बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं ना पुरानी डेट पूछ रहे पुरानी तो पीछे जाने पर निकाले गए और को कर देते। आगे मत करो सोमवार आंसर मत दो मेरे दोस्त पीछे जा रहे हो कैलेंडर में सैटरडे माइनस टू फ्राइडे थर्सडे सैटरडे माइनस टू थर्सडे कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं पीछे पीछे जाने पर माइनस होता है हा जी यदि बीते हुए कल से दस दिन पहले सोमवार था यदि बीते कल से दस दिन पहले सोमवार था तो आज से पांचवा दिन क्या होगा यदि बीते हुए कल से दस दिन पहले सोमवार था तो आज से पांचवा देखो आज का तो कोई लेना देना नहीं है आज कभी भी दिन में काउंट नहीं होता कल काउंट होता है बेटा एक दिन की तरह आज काउंट नहीं होता ठीक है आज से पांचवा दिन देखो जो पांचवा दिन होता है ना बाबू वो बेसिकली चार दिन बाद आता है जो पांचवा दिन होता है वो बेसिकली चार दिन बाद आता है बेसिकली चार दिन बाद इसमें बोला है ना फिफ्थ डे फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर फोर डेज देखो फिफ्थ डे का मतलब होता है फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर फोर डेज आफ्टर फोर डेज तो जो दिनों की संख्या काउंट होगी ना वो चार ही काउंट होगी ना कि पांच दिनों की संख्या कितनी काउंट होगी चार काउंट होगी चार समझ रहे हो जैसे आज क्या है आज फ्राइडे है आज फ्राइडे है ना तो अगर मैं आपसे कहूं ना आज के आज के या फिर आज से सात दिन बाद क्या है सात दिन बाद तो आपका आंसर क्या होगा हर सात दिन बाद वही दिन रिपीट होगा फ्राइडे होगा और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं आज से आठवां दिन क्या है तो बेटा आठवां दिन भी फ्राइडे ही है तो बेसिकली जो आठवा दिन होता है वो सात दिन बाद आता है तो हम जो काउंट करते हैं ना वो डिफरेंस में काउंट करते हैं तो हम इसको पांच काउंट नहीं करेंगे जब भी आए ना दिन तो इसका मतलब चार जैसे आए एग्जाम में दसवां दिन दसवां दिन तो इसको काउंट करेंगे हम क्या दसवें दिन को काउंट करेंगे हम नौ जैसे यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन था भी मैं कराता हूँ यूपीएससी सी सेट के पेपर में क्वेश्चन आया था फिलहाल इसका आंसर दो पहले तो बेटा एक और दस ग्यारह ग्यारह और चार ये चार काउंट होगा दस और एक ग्यारह और चार पंद्रह टोटल दिनों की संख्या पंद्रह है सात दूनी चौदह कितना बचा एक कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे सर बीते हुए कल से दस दिन पहले सोमवार था तो आज से पांचवा दिन क्या होगा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं आगे जाने पर प्लस वन कर दो सोमवार प्लस वन मंगल जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इसी साल का क्वेश्चन है यदि आज रविवार है यदि आज रविवार है तो आज से दस की पावर दसवां दिन बताओ यह क्वेश्चन इसी साल का यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है दस की पावर दसवा दिन बताओ दस की पावर दसवा दिन बताओ इसी साल का क्वेश्चन है ये जी यदि आज संडे है तो आज से दस की पावर दसवां दिन <laughs> तो मेरे दोस्त मेरे भाई एक काम करो दस की पावर दस का रिमाइंडर निकाल दो हम क्या करते हैं हम हमेशा साथ की है ना हम हमेशा क्या करते हैं है ना इफ टुडे इज संडे इफ टुडे इज देन व्हाट इज देन व्हाट इज टेन की पावर टेंथ टेन की पावर टेंथ डे जी हम क्या करते हैं बेटा दिनों की संख्या को सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं तो दस की पावर दस है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये होगी दस की पावर दस सात से भाग दे के बेटा रिमाइंडर निकालो सात एकम सात सात एकम सात बचे तीन सात चौक अट्ठाईस बचे दो सात दूनी चौदह बचे छः सात आठ छप्पन बचे चार पंजे बचे सात पंजे पैंतीस बचे पाँच सत्तर उनचास बचा एक सात एक बचे तीन सात चौक अट्ठाईस बचे दो ठीक है सात दुनी चौदह चौदह बचा छह सात आठ छप्पन कितना बचा चार तो हमारा रिमाइंडर क्या निकला चार निकला तो दस की पावर दस को दस की पावर दस दिन बाद अगर हमसे पूछा जाता तो हम संडे प्लस फोर कर देते लेकिन दस की पावर दसवां दिन पूछा है देखो दस की पावर दस में अगर चार ऑड डे हैं तो दस की पावर दसवें दिन में कितने ऑड डेज होंगे तीन ऑड डेज होंगे जैसे सात दिन जैसे दस दिन बाद का मतलब होता है ग्यारहवा दिन तो जो ऑडेस निकलेंगे वो दस दिन से निकलेंगे समझ रहे हो तो हम क्या करेंगे संडे में प्लस थ्री करेंगे मंडे ट्यूसडे व्यस्ते तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलकर आ जाएगा व्यस्त आ जाएगा हम प्लस फोर नहीं करेंगे प्लस थ्री करेंगे क्यों क्योंकि दस की पावर दसवां दिन पूछा है अगर हमसे पूछा जाता ना दस की पावर दस दिन बाद क्या होगा तो हम प्लस फोर करते लेकिन दस की पावर दस वा दिन पूछा है यानी कि इससे एक दिन कम पूछा है तो हम तीन रिमाइंडर काउंट करेंगे समझे बाबू जी तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर थर्स और अफसोस की बात यह थी काफी सारी यूपीएससी की कोचिंग थी जिन्होंने आंसर दिया था यह अफसोस की बात थी हमारे लिए चलो कोई बात नहीं यूपीएससी कोचिंग वाले जीएस ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं रीजनिंग कहां पढ़ाएंगे है हा जी तो कहां तक पहुंचे हम हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से नेक्स्ट बनाओ फटाफट से ऑन यदि आज रविवार है तो आज से चौबीसवा दिन कौन सा होगा अब देखो चौबीसवें दिन का मतलब क्या है चौबीसवें दिन का मतलब है तेईस दिन बाद चौबीसवें दिन का मतलब होता है बाबू तेईस दिन बाद तो जो ऑडेस निकलेंगे वो तेईस से निकलेंगे ऑड डेस किससे निकलेंगे चौबीसवां दिन आएगा तेईस दिन बाद सात या इक्कीस कितना बचा दो बचा दो तो बेटा दो ऑड डेज आएंगे और कैलेंडर में आगे जा रहे हो ना तो प्लस टू कर दो संडे प्लस टू मंडे ट्यूसडे ओके right right so, आप आप नेक्स्ट okay. अंकित का जन्म 4 सितंबर उन्नीस सौ को हुआ था वह 10 अगस्त दो हजार को कितने साल कितने महीने और कितने दिन का होगा बेटा एज कैलकुलेट करनी है एज आपको कैलकुलेट करनी है कैसे कैलकुलेट करोगे जब भी एज कैलकुलेट करो ना तो हमेशा बेटा पहले लिखो ईयर फिर लिखो मंथ फिर लिखो डेट ठीक है तो पहले लिखो बड़ी वाली है कौन सी वाली लिखोगे लेटेस्ट डेट लिखोगे लेटेस्ट दो दस अगस्त दो हजार बीस को तो दो हजार बीस अगस्त का मतलब हो गया आठवा महीना और दस अगस्त दो हजार बीस उल्टा लिखना और फिर लिखो बेटा जब वो पैदा हुआ चार सितंबर उन्नीस सौ छियानवे उन्नीस सौ छियानवे का मतलब नौवा महीना चार तारीख कुछ नहीं करना माइनस कर दो डेट में दो मंथ में से मंथ को माइनस कर दो ईयर में से ईयर को माइनस कर दो माइनस कर दो बेटा डेट में से डेट को माइनस कर दो मंथ में से मंथ को माइनस कर दो ईयर में से ईयर को माइनस कर दो दे दे मेरे भाई दस में से अगर मैं चार को घटाऊंगा तो छह दिन बचेंगे दस में से चार को घटाऊंगा छह दिन बचेंगे और हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि छह दिन से रिलेटेड है बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए ये तो चलो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हो गई लेकिन इसका परफेक्ट आंसर निकालना होता तो कैसे निकालते सर आठ में से नौ को तो माइनस नहीं किया जा सकता भाई आठ में से नौ को माइनस नहीं कर सकते तो मुझे ना यहाँ पे महीने उधार लेने पड़ेंगे और एक साल में एक साल में पूरे बारह महीने होते हैं हम जानते हैं कि एक साल में पूरे बारह महीने होते हैं तो बेटा बारह महीने यहां जुड़ गए आठ महीनों में तो बारह और आठ हो गए बीस ये हो गए टोटल बीस महीने है ना बारह एक साल जब उधार लोगे तो बेसिकली बारह महीने उधार चले गए बारह और आठ बीस और बीस में से नौ को माइनस करेंगे तो ग्यारह महीने बचेंगे बीस में से नौ को माइनस करोगे तो ग्यारह महीने बचेंगे और यहाँ पे बचे उन्नीस साल उन्नीस में से छियानवे को माइनस करोगे तो तेईस साल बचेंगे उन्नीस में से छियानवे को माइनस करोगे दो हजार उन्नीस में से उन्नीस सौ छियानवे को माइनस करोगे तो तेईस साल तो तेईस साल ग्यारह महीने छ दिन तेईस साल ग्यारह महीने छह दिन हा हा मंथ नहीं लोगे बेटा कैरी फॉरवर्ड होगा कि <laughs> नहीं होगा भाई इयर्स एक ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना तो ट्वेल्व मंथ्स उसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि वन ईयर इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ्स ठीक है हाँ जी अगर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते बेटा वो डिपेंड करता मंथ पे जैसे ये एट्थ मंथ है है ना आठवें महीने में इकतीस दिन होते हैं तो यहाँ पे अगर एर्थ मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा तो इकतीस एड होगा अगर यहाँ पे तीस तारीख का कोई महीना होता अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता तो तीस ऐड होता फरवरी होती तो यहाँ पे फरवरी एड होती तो वो डिपेंड करता है कौन सा करेंट मंथ है अगर मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा तो करेंट मंथ के जितने भी डे डेज होंगे वो यहां पर ऐड हो जाएंगे ठीक है हाँ जी चलिए साहब रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था 5 जुलाई 2020 को बताओ वो कितने साल कितने महीने और कितने दिन की है जल्दी से बताओ फटाफट से हाँ जी 5 जुलाई 2020, 2020 जुलाई कौन सा महीना होता है सातवां और पांच तारीख ठीक है चलिए साहब और हमसे पूछा है दो हजार अक्टूबर यानी कि दसवां महीना और दस तारीख फटाफट से माइनस करो अब बेटा पांच में से दस को तो माइनस नहीं कर सकते अब नहीं कर सकते माइनस है ना अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से मंथ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अब बेटा महीना यहां से उधार लेना पड़ेगा महीना है जुलाई जुलाई में होते हैं इकतीस दिन तो 31 दिन कैरी फॉरवर्ड हुए 31 दिन यहां से ले लिए गए उधार तो 31 और पांच हो गया 36 36 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे बेटा 26 दिन 36 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे 26 दिन अच्छा यहां पे कितने महीने बचे एक महीना इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे छह महीने बचे अब छह में से दस तो माइनस हो नहीं सकते तो यहां से वन ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ वन ईयर इज इक्वल टू ट्वेल्व मंथ बेटा बारह महीने आ गए छ महीने थे बारह और छह अठारह अठारह में से दस गए तो महीने बचे अब आठ अठारह में से दस गए तो महीने हो गए आठ और ईयर बचे बेटा उन्नीस क्योंकि बीसवा वर्ष तो कैरी फॉरवर्ड हो गया दो हजार उन्नीस में से दो हजार घटाओगे तो भैया रिया है उन्नीस साल आठ महीने और छब्बीस दिन की उन्नीस साल आठ महीने और छब्बीस दिन की बहुत बढ़िया नेक्स्ट यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा मुश्किल से लगेंगे 10 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल से 10 सेकंड भाई साहब जब डेट और मंथ हमारी सेम है है ना सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है तो बेटा कितने साल का अंतर है बारह साल का अंतर है अच्छा अगर मैं आपसे पूछता कि आज शुक्रवार है आज से बारह दिन बाद क्या होगा एक भाई साहब कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है मतलब यूट्यूब चैनल की भी लाइव क्लास को ये रिकॉर्डेड क्लास बता रहे हैं इनसे ज़्यादा सहन सा बच्चा कहाँ मिलेगा हमें हाँ आपको भारत रत्न दिलवाएंगे हम जरूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना अपना एड्रेस भी है ना हाँ जी और तुमसे नासा की टीम भी कॉन्टेक्ट करेगी तुम्हें ले जाके मंगल ग्रह पर छोड़ेगी उनको चाहिए कोई मंगल ग्रह पर पहुँचाने वाला मिल नहीं रहा तो आपका रिकमेंडेशन में उनको जरूर दूंगा आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है नासा वालों को हाँ जी पंद्रह अगस्त दो हजार तीन को शुक्रवार है तो पंद्रह अगस्त दो हजार पंद्रह को कौन सा दिन होगा तो मेरे भाई कितने साल का अंतर है बारह साल का अंतर है 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 ना साल का अंतर है. अच्छा अगर ये अंतर बारह साल की जगह बारह दिन का होता है ना तो जैसे आज शुक्रवार है तो बारह दिन बाद क्या होगा सर बारह में कितने डेज बनते हैं साथ ही कम साथ पांच डेज बनते हैं हम सीधा पांच ऐड कर देते हैं है ना फ्राइडे प्लस फाइव लेकिन ये बारह दिन नहीं बारह साल है तो बेटा साल को डेज में कैसे बदलते हैं तो साल को ऑड डेज में बदलने की एक छोटी सी ट्रिक होती है इयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज बेटा इन 12 साल में जितने भी लीप ईयर आए ना सब इसमें ऐड कर दो ये खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे अब इन 12 साल में कितने लीप ईयर है बेटा 2003 तो लीप ईयर है नहीं 2003 नहीं है पहला जो लीप होगा वो 2004 होगा और हर चार साल बाद लीप आएगा तो चार आठ बारह कितने लीप ईयर आ गए तीन लीप ईयर आ गए बस खत्म कहानी नहीं का डिफरेंस प्लस लीप ईयर लिपियर डेज कितने साल का अंदर है बारह कितने लिपियर है तीन बारह और तीन पंद्रह पंद्रह ही तुम्हारे ऑर्ट डेज है पंद्रह को छोटा कर दो बेटा सात दो नहीं चौदह कितना बचा एक कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे सर कैलेंडर में तीन का दिन पता है पंद्रह का निकालना है आगे जा रहे हैं आगे, जा है। आगे जाने पर निकालेगा डेज प्लस वन शुक्रवार प्लस वन शनिवार फ्राइडे प्लस वन सैटरडे फ्राइडे प्लस वन सैटरडे चलिए साहब नेक्स्ट हाँ जी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो हाँ टेस्ट मैच खेल तो रहा था लेकिन आगे खेलते खेलते मैं पढ़ाने नासा ही क्यों भेजोगे इसरो क्यों नहीं भेज रहे इसरो में आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जरूरत सिर्फ नासा वालों को है 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी दो को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त मेरे भाई कितने साल का अंतर है उन्नीस साल का अंतर है प्लस लीप ईयर बेटा दस तो लीप ईयर है नहीं दस के बाद ग्यारह भी नहीं है पहला लीप ईयर आएगा बारह हर चार साल बाद लीप ईयर आएगा बारह और चार सोलह और चार बीस और चार, चार चौबीस और चार, चार अट्ठाइस बत्तीस तो बाहर हो जाएगा बेटा तो एक दो तीन चार पांच आ गए पांच उन्नीस और पांच चौबीस छोटा कर दो बेटा सात से भाग देकर छोटा कर दो सात इक्कीस कितना बचा तीन बचा तीन कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं दस का दिन पता है उनतीस का निकालना है आगे जाने पर निकाले डेज को प्लस थ्री कर दो तो, सैटरडे प्लस थ्री संडे मंडे ट्यूजडे सैटरडे प्लस थ्री क्या होगा संडे मंडे ट्यूसडे अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं क्योंकि कैलेंडर में सेवन की साइकिल होती है समझ रहे हो सेवन की साइकिल जैसे टुडे इज फ्राइडे आज क्या है फ्राइडे है ना टुडे इज़ फ्राइडे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कौन सा दिन था दिन बाद आएगा. दिन पहले वही दिन था जो एक दिन बाद आने वाला है कैलेंडर में सेवन की साइकिल होती है सिक्स और वन सेवन साइन को चेंज कर दो माइनस को प्लस या प्लस को माइनस तो फ्राइडे माइनस सिक्स ना करके हम फ्राइडे प्लस वन कर देते हैं फ्राइडे प्लस वन सैटरडे तो हमारा जल्दी आंसर निकल के आ जाता है जैसे आज फ्राइडे है ठीक है आपसे पूछा जाए आप पाँच दिन पहले कौन सा दिन था तो माइनस पाँच करने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए आप प्लस टू कर दो फ्राइडे प्लस टू सैटरडे संडे तो हमारा आंसर संडे आ जाएगा जैसे आज फ्राइडे है पूछा जाए चार दिन पहले तो भैया माइनस फोर करने में टाइम लगेगा तो प्लस थ्री जल्दी होगा फ्राइडे प्लस थ्री फ्राइडे प्लस थ्री सैटरडे संडे मंडे है ना ये जल्दी होगा जैसे आज फ्राइडे है और आपसे बोला जाए बताओ तीन दिन पहले क्या था तो आप प्लस फोर कर सकते हो है ना सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे जैसे आज फ्राइडे है और पांच दिन बाद क्या होगा भैया प्लस फाइव की जगह आप माइनस टू कर लो तो ज्यादा बेटर है फ्राइडे माइनस टू थर्सडे वे फ्राइडे माइनस टू थर्सडे वे और आज फ्राइडे है और आपसे बोला गया छह दिन बाद क्या होगा तो छ प्लस छह की जगह माइनस वन कर दो फ्राइडे माइनस वन थर्सडे तो कैलेंडर में सेवन की साइकिल होती है तो हम अपने सुविधा अनुसार है ना प्लस माइनस करते हैं अपनी सुविधा अनुसार ताकि हम जल्दी आंसर दे सके है ना ताकि हम जल्दी आंसर दे सके समझ रहे हो चलिए साहब नेक्स्ट फटाफट से जल्दी से आंसर दो हम्म जल्दी से आंसर दो भैया फटाफट कितने साल का अंतर है सर यहाँ पे दस साल का अंतर है कितने साल का अंतर है दस साल का अंतर है प्लस लीप ईयर बेटा दो हजार नौ तो ईयर है नहीं दो हजार नौ के बाद दो हजार दस आएगा वो भी लीप ईयर नहीं है ग्यारह भी नहीं है बारह पहला जो ईयर है वो दो हजार बारह है हर चार साल बाद ईयर आएगा बारह और चार सोलह और चार बीस बेटा बीस तो बाहर है तो इन दोनों वर्ष के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो ही लीप ईयर है बारह और सोलह दस और दो बारह सात एक हम सात कितना बचा पांच अल्टीमेटली हमें सात से भाग दे के अल्टीमेटली हमें सात से भाग दे के उसको छोटा कर देना है तो पांच बचे कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे सर उन्नीस का दिन पता है नौ का दिन निकालना है ईयर के हिसाब से पीछे भाग रहे हैं पीछे भागने पर निकाले गोटे को माइनस करेंगे अब बेटा ट्यूसडे माइनस फाइव इट्स बेटर ट्यूजडे प्लस टू वे माइनस फाइव करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो इट्स बेटर कि की, की जगह आप सीधा डायरेक्ट प्लस टू मार दो है ना तो जल्दी आंसर देने का तरीका और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे माइनस प्लस करने में समझ रहे हो हाँ जी आशीर्वाद दे रखा भैया पूरे यूट्यूब पे आशीर्वाद फैला रखा कल जिन दिन का एग्जाम है वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाएं अपनी मां के चरणों में अपना मस्तक जो के जरूर जाए बस चाहे तुम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के हाथ जोड़ो या मत जोड़ो लेकिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना मत भूलना बस ये याद रखो चाहे किसी गुरु को याद करो को नहीं करो लेकिन माँ बाप को जरूर याद करना बिना उनका आशीर्वाद लिए घर से मत निकलना 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा जल्दी से बताओ फटाक से हाँ जी कमॉन 2004 से 2020 कितने साल का अंतर है 16 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर प्लस लीप ईयर बेटा 2004 लीप ईयर है हर चार ईयर आएगा आठ और चार बारह और चार, चार सोलह और चार बीस हर चार साल बाद लीप ईयर आएगा यहां पर लेकिन एक चीज गौर करने की है 20 फरवरी 2004 और 20 फरवरी 2020 के बीच की अगर मैं डेट देखूं तो 2020 हजार बीस लीप ईयर काउंट होगा ही नहीं क्योंकि हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक गए 29 फरवरी तक तो हमने पहुंची नहीं तो जब 29 फरवरी इसकी हमने यूज ही नहीं करी है तो इसको एज ए लीपियर काउंट नहीं करेंगे कितने लिपियर काउंट होंगे सिर्फ और सिर्फ चार ही लिपियर काउंट होंगे सोलह और चार बीस ईयर्स प्लस लिपियर बिकम डेज बेटा ईयर्स का डिफरेंस निकालो प्लस लिपियर जोड़ो बात खत्म यही तुम्हारे ऑर्डेज है तो सात दूनी चौदह कितना बचा छ बचा अल्टीमेटली छे डेज आ गए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं सर 2004 से 2020 आगे जा रहे हैं आगे जाने पर प्लस छ करेंगे और हम जानते हैं प्लस छ का मतलब माइनस वन कर दो भाई साहब जल्दी से रविवार माइनस वन शनिवार है ना संडे माइनस वन सैटरडे संडे प्लस सिक्स करोगे तो भी सैटरडे आएगा माइनस वन करोगे तो भी सैटरडे आएगा ठीक है हाँ जी प्रयागराज बस स्टैंड पहुंचने वाले चलो नेक्स्ट 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 तो दो बीस मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था <coughs> बताओ मैं बहुत खुश हूं मेरा पहला कमेंट पढ़ रहे हो चलिए आप खुश होने चाहिए बस बेटा ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज अगर हमारी डेट मंथ सेम है तो कुछ नहीं करना होता साल का अंतर निकालो कितना बारह प्लस ईयर जोड़ दो दो हजार बारह है बारह और चार सोलह सोलह और चार बीस बीस और चार चौबीस क्या दो हजार बारह लीप ईयर काउंट होगा सर अगर मैं बीस मार्च दो हजार बारह से बीस मार्च दो हजार चौबीस की बात करूं तो दो हजार बारह की जो फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी है तो 2012 दो हजार बारह को ऐसे ईयर काउंट नहीं करोगे हाँ बीस मार्च दो हजार चौबीस तक पहुंचोगे तो उनतीस फरवरी पार करके पहुंचोगे तो ये लीप ईयर काउंट होगा एक दो तीन कितने ईयर होंगे तीन होंगे बारह और तीन पंद्रह पंद्रह का मतलब एक फाइनली कितने डेज आ गए एक ऑट डे आ गए चौबीस का दिन पता है बारह का निकालना है पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में निकाले गए डेज को माइनस कर दो संडे माइनस वन अगेन इज द राइट आंसर अगेन सैटरडे इज द राइट आंसर चलिए अगेन बेटा डेट और मंथ सेम है डिफरेंस ईयर्स में है सिर्फ और सिर्फ किस में है ईयर्स में है निकालो फटाफट से ऑट डेज जल्दी से जी रेलवे का क्वेश्चन करवाएं बिल्कुल मोहर लगी है रेलवे की चिंता क्यों कर रहे हो चलिए बेटा कितने साल का अंतर है ग्यारह साल का अंतर है प्लस लीपियर दो हजार नौ लीपियर नहीं है दस भी नहीं है ग्यारह भी नहीं है बारह है सोलह है बीस या हजार से लीप ईयर काउंट होगा सर 10 अगस्त 2020 तक पहुंचेंगे 29 फरवरी पार करके पहुंचेंगे भाई सीधी सी बात है इसकी 29 फरवरी तो तीन ग्यारह और तीन चौदह चौदह का मतलब सात दो चौदह कितना बचा जीरो में पीछे जा रहे हो माइनस का जीरो सोमवार माइनस जीरो सोमवार होगा हो मंडे माइनस जीरो मंडे जीरो का मतलब तो डे होता है ओके 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 देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ना सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस आ रहा था अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मंथ का डिफरेंस आएगा ईयर सेम है अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो डिफरेंस ईयर वाले किए थे जिसमें ईयर का डिफरेंस था अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर तो सेम है किसका अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ मंथ का अंतर होगा तो अब हमें जो ऑर्डर्स कैलकुलेट करने होंगे वो मंथ्स के बीच में ऑर्डर्स कैलकुलेट करने होंगे और बाबू मंथ्स के बीच में ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करें हम है ना कैसे कैलकुलेट करें मेरा नाम रॉन्ग है प्लीज क्या यूपी के जितने भी सेट करवाए हैं क्या हो गया उन सेट्स में सही है कर लो बेटा है हाँ जी सब कराएंगे बिहार एसएससी बिहार एसएससी सब उन्नीस का वो वाले भी दिन करवाएंगे उन्नीस सौ का अरे सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे चिंता मत करो एक भी क्वेश्चन नहीं बचना कैलेंडर का हर टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं ठीक है परेशान मत हो बेटा अब हमें जो ऑडियस कैलकुलेट करने हैं वो मंथ्स के बीच में करने हैं देखो मंथ्स के बीच में ऑडियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि कैलेंडर में कोई फॉर्मूला है कोई कोड है जो आपको याद करना है ना कोई फॉर्मूला ना कोई कोड है कुछ याद नहीं करना क्योंकि उनकी बाउंडेशन है हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है लिमिटलेस हम दस हजार साल पुरानी डेट और एक साल बाद की भी डेट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिना रटे बिना कुछ किए तो कैलेंडर में कुछ भी रटने का काम नहीं है सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है रिमाइंडर ऑफ सेवन सात का बस अगर दिनों का अंतर है तो सीधा सात का शेष फल मार दो अगर साल का अंतर है तो साल में लीप ईयर जोड़ के सात का शेष फल मार दो अगर महीनों का अंतर है तो सात का शेष फल कैसे मारोगे जरा ध्यान से सुनना देखो इसका आंसर मैं नहीं आप खुद ही दे दोगे आप लोग मुझे एक बात बताओ आज कितनी तारीख है आज सोलह फरवरी है आज सोलह फरवरी है क्या आप मुझे बता सकते हो कि 16 फरवरी से लेके 16 फरवरी से लेके 10 मार्च तक कुल दिनों की संख्या कितनी है टोटल डेज की वैल्यू काउंट कर सकते हो टोटल डेज दिनों की कुल संख्या कितनी है 16 फरवरी से 10 मार्च के बीच में क्या मुझे टोटल डेज काउंट करके बता सकते हैं आप सर बिल्कुल बता सकते हैं फरवरी में 16 फरवरी से लेके 10 मार्च तक तो बेटा फरवरी में कितने दिन और बच रहे हैं फरवरी को पूरा करने के लिए भैया 29 तारीख की फरवरी है क्योंकि लीप ईयर की फरवरी है तो 29 माइनस का सोलह सर तेरह दिन बच रहे हैं फरवरी में और दस मार्च तक पहुंचना है तो भैया तेरह और दस तेईस तो सोलह फरवरी से दस मार्च के बीच में तेईस दिनों का अंतर है कितने दिनों का अंतर है तेईस बेटा तेईस दिन बाद तेईस दिन बाद हमारी दस मार्च होगी तेईस दिन बाद हमारी हंड्रेड परसेंट दस मार्च होगी अब अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ ये बताओ 16 फरवरी और 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या निकालना 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या 16 फरवरी 16 फरवरी और 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या बेटा ये जो 10 जनवरी है ना इसको यहां लिख लो आप कहने का मतलब एक ही है सोलह फरवरी और दस जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी है तो अब जो दिन हम कवर करेंगे वो जनवरी के कवर करेंगे जनवरी में होते हैं इकतीस दिन भैया कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा पहले उसको कंसिडर करेंगे तो अब जो शेष फल दिन होंगे पहले शेष फल दिन फरवरी के ले रहे थे हम शेष दिन फरवरी के और दी हुई तारीख हम मार्च के ले रहे थे अब जो शेष दिन लेंगे हम जनवरी के लेंगे जनवरी में कितने दिन चलेंगे हम इकतीस माइनस दस इक्कीस दिन तो जनवरी के चलेंगे और फरवरी में कितने दिन चलेंगे सोलह दिन तो अब जो हमारे कुल दिनों की संख्या आएगी वो सैंतीस आएगी बेसिक समझ रहे हो तो अब आप बताओ पंद्रह अगस्त और उनतीस अप्रैल के बीच में कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे क्योंकि सारा खेल बेटा कुल दिनों की संख्या का है हम जो ईयर्स प्लस लीप इयर कर रहे थे ना वो भी कुल दिनों की संख्या निकल रही थी पता कैसे एक साधारण वर्ष में तीन दिन होते हैं 365 दिन का मतलब एक और डेज होता है एक और एक लीप ईयर में ना एक लीप ईयर में 366 दिन होता है 366 का मतलब दो और डेज होंगे 7 से भाग दोगे दो, दो रिमाइंडर 7 से भाग दोगे एक रिमाइंडर तो बेटा 10 साल में कुल दिनों की संख्या में सात का भाग दो या फिर हम सीधा 10 साल में 10 और डेज कर दें 10 साल में 10 और डेज क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक और डेज होता है और एक लीप ईयर में दो इसीलिए हम क्या कर रहे थे ईयर ईयर का डिफरेंस प्लस लीप कर रहे थे ना तो वो खुद ही और डेज में कन्वर्ट हो रही थी वैल्यू वो भी दिनों का कुल संख्या ही थी जो हम पहले ट्रिक यूज कर रहे थे तो अब भी हम वही कर रहे हैं दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे क्या आप मुझे बता सकते हो पंद्रह अगस्त और उनतीस अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी होगी पंद्रह अगस्त और उनतीस अप्रैल के बीच में टोटल डेज कैसे काउंट करोगे टोटल डेज कैसे काउंट करोगे पहले बेसिक कंसेप्ट समझो फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे टोटल डेज कैसे काउंट करोगे सर सीधी सी बात है पहले अप्रैल अप्रैल में कितने दिन बच गए मई जून जुलाई अगस्त तीस माइनस उन्तीस सर एक दिन बच गया अप्रैल में है ना मई के पूरे इकतीस जून के पूरे तीस जुलाई के इकतीस और अगस्त में कितनी तारीख पंद्रह सर दिनों की कुल संख्या इतनी आ जाएगी तब हम सात से भाग दे के डेज निकालेंगे यही तो बेसिक कंसेप्ट हुआ हमारा अब इसी कंसेप्ट को ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो ट्रिक में कन्वर्ट ऐसे करेंगे आप सीधा सीधा मंथ के डेज लिख दो आप इकतीस को इकतीस क्यों लिख रहे हो सात चौक अट्ठाइस तीन लिखो ना तीस को तीस क्यों लिख रहे हो सात चौक अट्ठाईस दो लिखो सात चौक अट्ठाईस तीन लिखो सात दूनी चौदह सात दूनी चौदह कितना लिखो एक लिखो बस खत्म कहानी एक और तीन चार और दो छह और तीन नौ और एक दस दस का मतलब कितना होगा तीन होगा अच्छा ये बताओ फाइनली ऑड डेज बेटा इनके बीच में तीन आ गए क्योंकि इनके बीच में जब दिनों की कुल संख्या निकालोगे सात से भाग करोगे तो तीन ही रिमाइंडर आएगा तो फाइनली ऑड डेज कितने आ गए तीन आ गए अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे सर पंद्रह अगस्त का दिन पता है अप्रैल का दिन निकालना है तो अगस्त का दिन पता है अप्रैल का निकालना है कैलेंडर में पीछे भाग रहे हो पीछे भागने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करेंगे फ्राइडे माइनस थ्री क्या होगा थर्सडे वैंसडे ट्यूसडे फ्राइडे माइनस थ्री क्या होगा ट्यूसडे फ्राइडे माइनस थ्री क्या होगा ट्यूसडे होगा तो बेसिकली जो मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने का कंसेप्ट है वो टोटल डेज से ही है और टोटल डेज निकालने की ट्रिक होती है पहले जो महीना आता है उसमें लिखते हैं हम रिमेनिंग डेज शेष दिन और लास्ट में जो मंथ होता है उसमें लिखते हैं हम दी हुई तारीख और बीच में जितने भी महीने आएंगे उनके डायरेक्ट ऑड डेज लिख दो यानी कि सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो सीधा तो जरूरी नहीं है हमें पूरा लिखना है ठीक है चलिए ये कहानी आप अगले क्वेश्चन में समझोगे देखो 2004 2004 सेम है सिर्फ और सिर्फ अंतर किसमें है महीनों का अंतर है तो महीनों के बीच में दिनों की कुल संख्या चाहिए यानी कि महीनों के बीच में हमें टोटल और डेज चाहिए तो बेटा जनवरी और अप्रैल में पहले कौन सा महीना आता है कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो जो रिमेनिंग डेज लिखोगे वो जनवरी के लिखोगे और जो गिवन डेट लिखोगे वो अप्रैल की लिखोगे है ना रिमेनिंग डेज लिखोगे जनवरी में कितने दिन कवर किए और गिवन डेट अप्रैल की कि कितने तारीख तक आप पहुंचे हैं तो भैया जनवरी होता है इकतीस का महीना इकतीस माइनस पच्चीस छह दिन जनवरी के कवर करोगे छह दिन फरवरी बेटा 2004 की है यानी कि लीप ईयर तो फरवरी में एक दिन कवर करोगे एक हम उन्तीस नहीं लिखेंगे उन्तीस को सीधा एक लिखेंगे मार्च में इकतीस होते हैं इकतीस को सीधा आपको पता है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो मंथ ऊपर होते हैं वो थर्टी वन जो नीचे होते हैं वो थर्टी ये यूनिवर्सल मेथड होता है है ना अप्रैल अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है तीस तीस को छोटा कर दो तीस को छोटा कर दो सात चौ अटाईस बच्चे दो अच्छा छ और एक सात सात का मतलब होता है जीरो तीन और दो पांच फाइनली पांच और डेज आ गए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे छ और एक सात सात और तीन दस दस और दो बारह तब भी पांच आता आप इसको भी छोटा ना करते तीस और तीन तैतीस ते तेतीस और एक चौतीस चोंति, चौतीस और छह चालीस चालीस का मतलब भी सात पंजे पैंतीस कितना बच्चा हर तरीके से पांच आता आप सर दो और तीन पांच और एक छह भी करके पांच ला सकते थे छ और एक सात हटा दो तीन और दो पांच सर छीन नौ नौ का मतलब होता है दो तो दो और एक तीन और दो पांच किसी भी तरीके से घुमा फिरा लो अल्टीमेटली पांच ही आना है बस वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैलकुलेशन कितनी फास्ट करनी है तो फाइनली पांच ऑड डेज निकले बेटा अप्रैल का दिन पता है जनवरी का निकालना है अप्रैल से जनवरी यानी कि कैलेंडर में पीछे भाग रहे हैं पीछे भागने पर निकालेगा ऑड डेज को माइनस करते हैं अच्छा माइनस फाइव का मतलब क्या होगा प्लस टू सटरडे प्लस टू क्या होगा संडे मंडे सटरडे प्लस टू क्या होगा संडे मंडे सैटरडे प्लस टू होगा संडे मंडे अगेन अगेन बेटा ईयर सेम है अगेन यहां पे ईयर सेम है तो डिफरेंस क्या निकालोगे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मंथ में निकालोगे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मंथ में निकालोगे जल्दी से मुझे कैलेंडर नहीं आता तो तुम कमेंट करना बंद करो सीखोगे तभी तो सीख पाओगे अगर तुम कल कमेंट करते रहोगे तो कैसे सीखोगे कैलेंडर तो सिखा रहे हो और क्या कर रहे है? है? 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा तो भैया टोटल जो डेज़ की वैल्यू निकलेगी वो जनवरी और अगस्त के बीच में निकलेगी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जनवरी में बचे हुए दिन बेटा 31 महीनों से इकतीस फरवरी जो है 2020 की है यानी कि ईयर है मार्च में तीन अप्रैल में दो मई में तीन जून में दो जुलाई में तीन आपको पता देखो ये अल्टरनेट होते हैं है, बेटा तीन दो तीन दो तीन दो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इकतीस तीस इकतीस अल्टरनेट होते हैं ये फरवरी अट्ठाईस उनतीस का होता है मार्च इकतीस देखो अल्टरनेट चलेंगे इकतीस तीस इकतीस तीस इकतीस तीस सिर्फ जुलाई और अगस्त ये दोनों इकतीस इकतीस के फिर तीस इकतीस तीस इकतीस क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यहाँ खत्म हुआ अगस्त दोबारा से शुरू होगा तो ये लगातार इकतीस इकतीस के हो गए तो सात चौक चौकईस कितना बचा तीन जीरो या एक सात चौक अट्ठाईस तीन बेटा तीन दो तीन दो तीन दो तीन तीन फिर दो तीन दो तीन अल्टरनेट चलते हैं रटने की जरूरत नहीं है सेवन का रिमाइंडर है सात का शेष फल है।, है ना हाँ जी तो टोटल अगस्त में कितनी तारीख है अगस्त में छ है चलिए साहब तो छोटा करो बेटा सात सौ अट्ठाईस कितना बचा दो बचा दो सर दो और एक तीन तीन और तीन छ और दो आठ आठ का मतलब फिर से एक होता है एक एक और तीन चार चार और दो छ और तीन नौ नौ का मतलब होता है दो क्योंकि सात दो फिर दो और छठ आठ का मतलब फाइनली होगा एक तो आप कुल मिला के कोई भी गणित यहां पे फिट कर लो कैसे भी नंबर आपस में जोड़ लो अल्टीमेटली सेवन का रिमाइंडर वन निकलेगा अच्छा कैलेंडर में अगस्त का दिन पता है जनवरी का दिन निकालना है अगस्त से जनवरी फिर से हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं पीछे जाने पर निकाले गॉड को माइनस वन करेंगे थर्सडे माइनस वन क्या जाएगा? -1 आ जाएगा थर्सडे माइनस वन वेस्ट आ जाएगा थर्सडे माइनस वन वेस्ट आ जाएगा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक सप्ताह एक दिनों में दिन कितने होंगे बेटा एट एक्स दिन होंगे एक सप्ताह में सेवन एक्स दिन हो गए एक्स और ऐड कर दो सेवन एक्स प्लस दिन हो गए चलिए पच्चीस फरवरी 2005 को सोमवार था तो पच्चीस पांच 2000 मार्च को कौन सा दिन होगा बेटा टोटल डेज की वैल्यू निकालनी है पच्चीस फरवरी पच्चीस मार्च फरवरी मार्च फरवरी बेटा 2005 की है 28 दिन ही है फरवरी में तो कितने दिन बचे फरवरी को पूरा करने में तीन दिन मार्च में दी हुई तारीख पच्चीस तीन अट्ठाईस का मतलब जीरो यानी कि सेम डे होगा मंडे का मंडे जीरो का मतलब सेम डे बाबू यहां पर दिनों की कुल संख्या निकलेगी फरवरी और मार्च के बीच में यानी कि पहले फरवरी लिखोगे फिर मार्च फरवरी में कितने दिन बचे हैं तीन ही दिन बचे हैं है <coughs> ना फरवरी में तो तीन ही दिन बचे हैं ना मार्च में पच्चीस कवर करोगे पूरा तीन और पच्चीस अट्ठाईस का मतलब जीरो यानी कि सेम डे होगा ना? हाँ जी चलिए साहब अगेन अगेन बेटा हमारा ईयर सेम है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसमें है मंथ्स में है देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ईयर्स के डिफरेंस वाले किए थे नहीं पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उनमें डेज का फर्क था डेज का फिर मैंने जो क्वेश्चन कराए उसमें का गैप था ईयर्स का अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मंथ्स का गैप है है ना पहले हमने ऑड डेज निकाले थे सीधा सात से भाग दे के रिमाइंडर इसमें हम सीधा सात से भाग नहीं दे रहे थे पहले हम लीप ईयर एड कर रहे थे तब सात से भाग दे के रिमाइंडर निकाल रहे थे और यहां पर हम क्या कर रहे हैं टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल रहे हैं टोटल डेज कैसे निकाल निकालने फर्स्ट मंथ में रिमेनिंग लास्ट मंथ में गिविन तो बेटा अगस्त और दिसंबर कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे तो अगस्त से दिसंबर तक चलेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगस्त में कितने दिन और चलने हैं हमें इकतीस माइनस का दस अगस्त में कितने दिन और चलने हैं इक्कीस सितंबर दो अक्टूबर तीन नवंबर दो दिसंबर में कितने दिन चलने हैं इकतीस ठीक है छोटा कर दो सात चौक अट्ठाईस कितना बचा तीन सात तीन इक्कीस कितना बचा जीरो जीरो प्लस दो 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 और तीन पांच और दो सात सात का मतलब जीरो प्लस तीन तीन फाइनली कितने डेज आगे तीन कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे सर अगस्त का डे पता है दिसंबर का निकालना है तो अगस्त से दिसंबर आगे जा रहे हैं आगे जाने पर निकालेगा और डेस्ट प्लस हो जाएंगे मंडे प्लस से ट्यूजडे थर्सडे से थर्सडे ऑप्शन डी द राइट आंसर अगेन अब पता ये स्पेशल क्वेश्चन आ गया ये स्पेशल क्वेश्चन आ गया आ आपके लिए पूछो कैसे ये स्पेशल क्वेश्चन कैसे आ गया क्योंकि यहां पे डेज मंथ ईयर तीनों ही अलग अलग है सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन तो किया था उसमें सिर्फ डेज का फर्क था तारीख का दूसरा जो क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ साल का फर्क था तीसरा जो क्वेश्चन किया आपने उसमें सिर्फ महीनों का फर्क था अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सारे ही फर्क है उसमें सभी कुछ अलग अलग है तो यहां पर दोनों के ऑड डेज अलग से निकाल लो बेटा इसके अलग से निकाल लो और इसके अलग से निकाल लो दोनों के अलग अलग निकाल लो ठीक है दोनों के अलग अलग निकाल लो और लोडेस देखो कैसे दो मैंने आपको ईयर के बीच में और कैसे निकालने सिखाए और तीन में कितने साल कंतर है? साल का का अंतर अंतर है है प्लस लीप ईयर कितने लीप ईयर है बेटा दो हजार तीन तो लीपियर नहीं माना जाएगा पहला लीप ईयर आएगा चार चार साल बाद लीप ईयर आएगा चार आठ बारह सोलह तो बाहर हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर तीन बारह और तीन पंद्रह पंद्रह का मतलब एक यानी कि 2003 का दिन रविवार है 2015 का दिन क्या होगा ईयर में हम आगे जा रहे हैं तो निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू ईयर हमें डे में करना होगा प्लस वन अकॉर्डिंग टू ईयर अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मंथ बेटा मई और अगस्त में टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे पहले लिखेंगे मई जून जुलाई अगस्त भाई कैलेंडर में तो पहले मई आएगा ना तो पहले मई लिखोगे ना तो जो रिमेनिंग डेज हैं भैया मई में कितने दिन और चलने हैं मई में कितने दिन और चलने हैं इकतीस माइनस का सत्ताईस चार दिन और चलने हैं जून दो जुलाई तीन अगस्त में दी हुई तारीख पंद्रह खत्म पंद्रह को छोटा करो सात दूनी चौदह कितना बचा एक चार और दो छ और तीन नौ नौ का मतलब होता है दो दो और एक तीन तो बेटा तीन और डेज अच्छा मंथ में जरा ध्यान देना मंथ में जरा ध्यान देना अगस्त का दिन पता है मई का दिन निकालना है तो अकॉर्डिंग टू मंथ अगस्त से मई हम मंथ के हिसाब से पीछे जा रहे हैं तो जो मंथ के और लेना, वो हमें माइनस के तीन करने पड़ेंगे तो मंथ के हिसाब से तो माइनस तीन करो ईयर के हिसाब से प्लस वन करो तो फाइनली क्या करो माइनस थ्री प्लस वन होता है फाइनली माइनस का टू तो फाइनली हमें क्या करना होगा माइनस का टू भाई एक बार प्लस वन करोगे फिर माइनस थ्री करोगे तो फाइनली माइनस टू करना पड़ेगा ना तो संडे माइनस टू क्या होगा फ्राइडे तो बेटा यही टोटल केस बन सकते हैं है ना रेफरेंस कैलेंडर से रिलेटेड या तो एग्जाम में डेज का अंतर होगा सिर्फ या एग्जाम में सिर्फ मंथ का अंतर होगा या एग्जाम में सिर्फ ईयर का अंतर होगा या फिर इन तीनों का ही अंतर होगा तो पहले आपने क्वेश्चन किए थे सिर्फ डेज वाले जिसमें सिर्फ डेट अलग थी है ना फिर दूसरा आपने किया ईयर अलग था तीसरा आपने किया मंथ अलग था चौथा आपने किया सब कुछ अलग है स्लॉक्स सब करा देंगे चिंता की हो लास्ट में कैसे करा दे <coughs> बनाओ इस क्वेश्चन को हाँ जी क्यूब का सवाल नहीं पूछेगा क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूले है क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला है थ्री पेंटेड होता है एट कॉर्नर क्यूब होता है टू सर्फेस टू एन माइनस टू वन सर्फेस प्रसू एस टू का होल स्क्वायर और कलरलेस एन माइनस टू का होल क्यूब बस ये डायरेक्ट फॉर्मूले क्यूब के लिए याद रखो इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा वैसे तो क्यूब आएगा नहीं अगर आ गया गलती से तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एन क्या है बेटा बिगर क्यूब लेंथ अपन स्मॉल क्यूब लेंथ बड़े घन की पूछा जाए घन सेंटीमीटर के घनाफ को पंद्रह घन सेंटीमीटर के घनाफ को पांच सेंटीमीटर के, के, के छोटे टुकड़ों में काटा गया छोटे घनों में काटा गया घनों में काटा गया तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे अब 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इस घन है घन अब 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू फाइव सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर

Year का डिफरेंस निकालो फटाफट से कितने साल का अंतर है सर यहाँ पर छ साल का अंतर है प्लस यहाँ पर छ साल का अंतर है प्लस प्लस प्लस, प्लस लीप ईयर कितने हैं 2008 2012 दो लीप ईयर है छ और दो आठ आठ का मतलब एक बेटा तेरह से सात कैलेंडर में पीछे जा रहा है पीछे जाने पर निकाले गए और डेज के अकॉर्डिंग माइनस का वन होगा अच्छा मंथ के ऑर्डिनेंस कैसे निकालोगे अक्टूबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर में बचे हुए दिन कोई भी दिन नहीं बचा जीरो पूरा 31, पूरा हो गया इकतीस महीने से इकतीस जीरो नवंबर दो दिसंबर में तीन इकतीस और दो तैतीस सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस और पांच तैतीस बेटा दिसंबर का दिन पता है अक्टूबर का निकालना दिसंबर से अक्टूबर महीने के हिसाब से पीछे भाग रहा है, पीछे तो महीने के हिसाब से भी पीछे भाग रहे हैं साल के हिसाब से भी पीछे भाग रहे हैं दोनों में माइनस करना था माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स का मतलब सैटरडे माइनस सिक्स मतलब सैटरडे प्लस वन <coughs> सैटरडे माइनस सिक्स मतलब सैटरडे प्लस वन सैटरडे प्लस वन चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है क्लॉक कहता बेटा सारे फॉर्मूले बता दिए थे मैंने परसों परसों की जो क्लास ली थी मैंने उसके लास्ट में सारे फॉर्मूले क्लॉक के बता दिए थे आ, <coughs> बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा सच में हाँ जी बनाओ जल्दी से और तुम शेयर फेयर तो करो मत है ना ना तुम्हें लाइक करना है कमेंट ना शेयर करना है कुछ नहीं करना है सेशन 2004 और 2016 बेटा कितने साल का अंतर है 12 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर 2004 8 12 16 बेटा 2004 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी तो पार हो जाएगी लेकिन 20 फरवरी 2016 तक ही पहुंचे इसकी 29 फरवरी यूज नहीं कर रहे तो सिर्फ कितने लीप ईयर ऐड होंगे तीन बारह और तीन पंद्रह पंद्रह का मतलब एक चार का दिन पता है सोलह का कैलेंडर में आगे जा रहे हैं आगे जाने पर प्लस वन करेंगे तो ईयर के हिसाब से तो हमें प्लस वन करना होगा है ना ईयर के हिसाब से तो हमें प्लस वन करना होगा ठीक है अब आ जाओ मंथ के हिसाब से क्या करें तो फरवरी बीस फरवरी और बीस मार्च में टोटल डेज कितने हैं फरवरी और मार्च फरवरी में बच्चे हुए दिन बहुत सारे बच्चों ने फरवरी को 29 कंसीडर करा है बहुत सारे बच्चों ने फरवरी को 29 कंसिडर करा है लेकिन फरवरी को उनतीस कंसिडर नहीं करना है पूछो क्यों क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी ईयर में एड हो चुकी है देखो केस ये वाला जो थ, ये वाला जो केस होता है ना जिसमें ईयर और मंथ के दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग निकालते हैं उस सिचुएशन में मंथ में जो फरवरी होगी वो हमेशा 28 की ही लोना क्योंकि उसका जो अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर में ऐड हो जाएगी उसको बार बार एज ए लीप ईयर काउंट मत करो वरना वो दो बार काउंट हो जाएगी इसीलिए फरवरी 29 की जगह 28 ही लेनी है 28 माइनस का 20 बेटा फरवरी में आठ दिन बचेंगे सिर्फ और मार्च में बीस चलने बीस और आठ अट्ठाइस का मतलब जीरो तो ये तो जीरो है जीरो जीरो प्लस वन प्लस वन होगा तो फ्राइडे प्लस वन क्या हो जाएगा सीधे फ्राइडे प्लस वन ये भी ये क्या कर दिया हमने फरवरी में बचे हुए दिन आठ मार्च भी जीरो हो गए तो बारह फिर एक हो गया ये क्या हो गया क्या कर दिया इफ़ इट वॉज फ्राइडे ऑन दो तो हजार सोलह बारह साल का अंतर है प्लस लीप ईयर चार आठ बारह सोलह अरे यार दो हजार सोलह लिपियर है गलती यहां कर दी भाई दो हजार सोलह में अरे मेरे लल्लू लाल ये बीस मार्च दो हजार सोलह है और अगर मैं बीस मार्च दो हजार सोलह तक पहुंचूंगा तो उनतीस फरवरी पार करके पहुंचूंगा ना तो दो हजार सोलह भी लिपियर है दो हजार सोलह भी लिपियर है बता क्यों नहीं रहे हो तुम भाई बीस मार्च दो हजार सोलह तक पहुंचेंगे तो दो हजार सोलह भी लीपियर है तो बेटा चार लीप ईयर आएंगे ईयरस का डिफरेंस प्लस लीप ईयर विकम्स ऑर्ट डेज तो बेटा बारह साल का अंतर है चार लीप ईयर है बारह और चार सोलह सोलह का मतलब कितना होता है दो तो ईयर के हिसाब से दो और डेज है दो अच्छा चार का दिन पता है सोलह का निकालना है आगे जाने पर प्लस टू तो फाइनली फ्राइडे प्लस टू करेंगे सैटरडे संडे फाइनली फ्राइडे प्लस टू करेंगे सैटरडे संडे समझ रहे हो? हाँ जी चलिए साहब नेक्स्ट कमॉन दो 2020 को सोमवार था 5 जनवरी उन्नीस को कौन सा दिन होगा बेटा अगर सिर्फ ईयर का डिफरेंस होता तो हम कैसे निकालते ईयर का डिफरेंस निकालो 20 और 3, 23 साल का अंतर प्लस ईयर सत्तानवे ईयर नहीं अट्ठानवे नहीं निन्यानवे नहीं दो हजार पहला ईयर है हर चार साल में ईयर आएगा चार आठ बारह सोलह बीस दो हजार बीस भी ऐसे ईयर काउंट होगा क्योंकि दस अगस्त दो हजार बीस तक पहुंचोगे उनतीस फरवरी पार कर लोगे एक दो तीन चार छह लीप ईयर आ जाएंगे तो बेटा ईयर्स के बीच में ऑर्डर कैसे निकालते हैं ईयर्स का गैप प्लस लीपियर तेईस और छह उनतीस उन्तीस का मतलब सात चौक अट्ठाईस कितना बच्चा एक आ गया अच्छा 20 का दिन निकाल बीस का दिन पता है सत्तानवे का दिन निकालना है ईयर में पीछे जाने पर और डेज के हिसाब से क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस तो अगर मान लो डेट मंथ डेट मंथ सेम होता तो हम सोमवार माइनस वन रविवार कर देते थे लेकिन हमें ऑर्डेस यहाँ के भी चाहिए जनवरी अगस्त में बेटा टोटल दिन की वैल्यू कैसे निकालोगे पहले महीना कौन सा आएगा जनवरी फिर अगस्त तक चलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जनवरी में कितने दिन बचे हैं कितने दिन और चलने हैं हमें इकतीस माइनस पांच छब्बीस दिन और चलने छब्बीस फरवरी हम यहाँ पे जीरो ही लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लीप ईयर काउंट हो चुका है मार्च तीन अप्रैल दो मई तीन जून दो जुलाई तीन अगस्त में दी हुई तारीख दस सबको छोटा करो सात ए सात कितना बचा तीन सात इक्कीस कितना बचा पांच चलिए पांच और तीन आठ आठ का मतलब क्या होगा एक एक और दो तीन तीन और तीन छ और दो आठ आठ का मतलब फिर से एक एक और तीन चार चार और तीन सात सात का मतलब जीरो ये तो जीरो आ गई वेल्यू पांच और तीन आठ और दो दस और तीन तेरह और दो पंद्रह और तीन अठारह और तीन इक्कीस इक्कीस का मतलब जीरो तो जीरो आने का मतलब है तो सीधा माइनस वन ही कर दो मंडे माइनस वन अगेन संडे इज द राइट आंसर सीधा चलिए ये भी सेम वही क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन है भाई इसी टाइप के वाह चलो दो क्वेश्चन और हैं बस आपकी प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस ताकि आपको ट्रिक्स भी याद हो जाए कितने साल का अंतर है बीस और चार चौबीस साल का अंतर है प्लस लीप ईयर बेटा छियानवे पहला लीप ईयर है हर चार साल बाद लीप ईयर आएगा छियानवे दो हजार दो हजार चार दो हजार फरवरी उन्नीस से आगे बढ़ोगे तो अट्ठाईस उनतीस फरवरी उन्नीस सौ छियानवे इन दोनों डेट के बीच में आएगी पंद्रह जुलाई तक पहुंचोगे तो दो हजार बीस पंद्रह जुलाई तक पहुंचोगे तो उनतीस फरवरी पार करके पहुंचोगे ईयर है। एक दो तीन चार पाँच छ सात चौबीस और सात इकतीस सात चौक अट्ठाईस कितना बचा तीन आगे जा रहे हैं पीछे बेटा बीस का दिन पता छियानवे का दिन निकालना मन ईयर में पीछे जा रहा है पीछे तो हमें ईयर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा दिन में माइनस का तीन करना पड़ेगा माइनस का तीन अब आ जाओ 15 जुलाई 7 फरवरी टोटल टोटल फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई बस 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 फरवरी में कितने दिन चलेंगे हम 28 ही कंसीडर होगा 28 माइनस का 7 21 21 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में दी हुई तारीख 15 सात दो दूनी चौदह कितना बचा एक सात तीन इक्कीस कितना बचा जीरो तीन और दो पांच और तीन आठ और दो दस और एक ग्यारह ग्यारह का मतलब कितना होगा चार बेटा अकॉर्डिंग टू मंथ जुलाई का दिन पता है फरवरी का निकालना है तो जुलाई से फरवरी जा रहे हो जुलाई से फरवरी तो मंथ के हिसाब से पीछे भाग रहे हो ना पीछे तो क्या करोगे माइनस चार और माइनस चार माइनस तीन होता है माइनस सात माइनस सात का मतलब होता है जीरो तो सेम डे हो गया वेंसडे वेंसडे सात का मतलब तो जीरो ही होता है ना तो सेम डे हो गया वेंसडे वेंसडे चलिए एक और क्वेश्चन कर लो बस इसका आंसर और दे दो खत्म रीजनिंग का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा बेटा करियर के पर कल से स्टार्ट होगा इसका आंसर दे दो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है हाँ जी ये भी बढ़िया क्वेश्चन है इसका आंसर दे दो जल्दी से फटाफट फड़ से और तुम बेटा सेशन शेयर नहीं कर रहे हो पूरा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा 28 की फरवरी इसलिए काउंट करेंगे हम यहां पर क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी ईयर में काउंट हो गया तो दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे जब हम ईयर के साथ साथ मंथ के ऑर्डेज निकालने होते हैं तो ईयर में ही हम लीप ईयर मान लेते हैं मंथ में उसको हम लीप ईयर नहीं मानते ठीक है अब यहाँ हम फंस जाएंगे यहाँ हम फंस जाएंगे एक फरवरी 2016 को बेटर टोटल सीधा निकालो कितने साल का अंतर आठ साल का अंतर 2008 2012 2016 क्या 2008 हजार आठ ऐसे काउंट होगा सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा 2016 होगा सर एक फरवरी 2016 पर ही रुक गए 29 फरवरी तक तो पहुंचे नहीं तो ये तो नहीं होगा तुम 29 फरवरी का दिन मत निकालो तुम पहले 28 फरवरी का दिन निकाल लो <coughs> कंफ्यूज हो जाओगे तुम 28 फरवरी का दिन निकालो 29 का मत निकालो अगर 28 मानते हो तो इसकी 29 फरवरी को पार करोगे यानी कि मानोगे आठ और तो दस दस का मतलब तीन बेटा सोलह का दिन पता है आठ का दिन निकालना है सोलह से आठ पीछे जाओगे तो माइनस का तीन कर दोगे Year में पीछे जाओगे तो माइनस का तीन कर दोगे अब फरवरी क्योंकि हम है ना फरवरी फरवरी सेम है सिर्फ हमें दिनों का अंतर निकालना है सिर्फ दिनों का अंतर तो हमने उनतीस नहीं माना हमने अट्ठाईस माना है तो 28 माइनस एक 27 सत्ताइस का मतलब सात या इक्कीस बचे 6, 6। बेटा एक का दिन पता है 28 का निकालना है आ, आगे जा रहे हैं प्लस छ हो गया तो प्लस छ और माइनस का तीन हो जाएगा फाइनली प्लस का तीन और मंडे प्लस तीन होगा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तो हमारा आ आंसर आ जाएगा थर्सडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे लेकिन जो थर्सडे आंसर आएगा ना वो अट्ठाईस फरवरी का दिन आएगा जबकि हमें चाहिए था उनतीस फरवरी का दिन तो उनतीस फरवरी का दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे अट्ठाईस को थर्सडे तो उनतीस को फ्राइडे होगा कि नहीं होगा तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो आप तो उसको उन्तीस की जगह अट्ठाइस कर दो बात खत्म हाँ जी चलिए तो कुल मिला के बेटा अभी तक हमने कितने क्वेश्चन बनाए देखो अभी तक हमने कैलेंडर में क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले तो लीप ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए कि लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बन सकते हैं सारे क्वेश्चन बनाए हमने लीप ईयर पर बेस्ड फिर हमने क्वेश्चन बनाए बेटा रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित रेफरेंस कैलेंडर रेफरेंस कैलेंडर में हमने पहले तो लिया बेटा दिनों का अंतर है ना कि सात दिन बाद क्या होगा छह दिन पहले ये था तो बीस दिन बाद क्या होगा दस दिन पहले ये था तो पचास दिन बाद क्या होगा है ना फिर हमने लिया बेटा साल का अंतर कि आज सोमवार है तो पचास साल बाद क्या होगा तो साल को ऑट डेज में कैसे बदल रहे थे इसको ऑट डेज में बदल लेते सीधा सात से भाग करके रिमाइंडर लेकिन इसको ऑट डेज में कैसे बदल रहे थे पहले इसमें लीप ईयर ऐड हो रहे थे उसके बाद हम सात से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते फिर हमने बेटा मंथ्स का फर्क पड़ा कि जुलाई को सोमवार है तो सितंबर में क्या होगा तो मंथ्स के बीच में हम क्या कर रहे थे टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे थे टोटल डेज टोटल डेज कैसे निकाल लेते पहले महीने में बचे हुए दिन आखिरी महीने में दी हुई तारीख और बीच में जितने महीने आ रहे हैं सबके सीधा और डेज लिख दिए उसके बाद सात से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेते समझ रहे तो हमने अभी तक ये क्वेश्चन किया है लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन किया हैं रेफरेंस कैलेंडर किया में ये सारे टाइप पढ़ लिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है ना कि कोई भी वर्ष कितने साल बाद हमारा रिपीट होता है धोखा दे गई सत्रह को उसकी शादी और सत्रह को मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है तो तुम बेटा वर्दी पहन के पहुंचना उसके हनीमून पर ठीक है हाँ जलवा दिखाना उसको फिर अपना गाना चला लेना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हाँ चलिए का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कंसेप्ट क्या है देखो सीधा सा है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का अगर हमारे ऑडेस की वैल्यू जीरो आ रही है अगर हमारे ऑडेस की वैल्यू जीरो आ रही है दो वर्ष में तो वो कैलेंडर रिपीट हो रहा है मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं तो बेटा कोई भी नॉर्मल ईयर किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में ग्यारह साल लगते हैं लेकिन कुछ ऐसी नॉर्मल ईयर है जो 11 साल में रिपीट नहीं हो सकती जैसे कि 2005, बेटा ये 11 साल में रिपीट नहीं होगी जैसे कि 2009, जैसे कि 2013, जैसे कि 2017। सर आपको कैसे पता कि ये 11 साल में रिपीट नहीं होंगी जोड़ के देखो 11, तो मैं पता चल जाएगा ये 11 साल में रिपीट क्यों नहीं होंगी जब आप इसमें ग्यारह जोड़ोगे तो ये ग्यारह साल बाद बनेगी दो और दो एक लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान कैसे होगा हाँ पर्टिकुलर कोई एक दिन तो समान हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता समझ रहे हो बेटा नौ में ग्यारह जोड़ना नौ और ग्यारह होगा दो हजार बीस और बताना दो हजार नौ दो हजार बीस के समान कैसे हो जाएगा नहीं हो सकता अच्छा डायरेक्ट कैसे पता चला डायरेक्ट बिना ग्यारह जोड़े देखो जो ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है जो ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है वो ग्यारह साल बाद रिपीट नहीं हो सकती ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2004 के ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2008 के ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2012 के ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2016 के तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है वो 11 साल में रिपीट ना होकर 6 साल में रिपीट होती है 6 साल में दिल निकालना सिखाएंगे घबरा क्यों दिन निकालना सिखाएंगे वेट वेट पेशेंस तो बेटा एक साधारण वर्ष कोई भी 11 साल बाद रिपीट होती है लेकिन जो 11 साल बाद रिपीट नहीं होती वो रिपीट होती है 6 साल बाद और एक लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 है। है साल लेकिन बेटा ये ट्रिक तब काम करती है जब हम सेंचुरी घूम रहे हो सेंचुरी एक ही सेंचुरी के अंदर घूमे या फिर हम उस सेंचुरी को क्रॉस करें जो लीप ईयर है गलती से हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप ईयर नहीं है वहां पर यह ट्रिक काम नहीं करेगी जैसे जैसे उन्नीस का कैलेंडर कब समान होगा बेटा उन्नीस सौ नब्बे नॉर्मल ईयर है ग्यारह साल बाद रिपीट होगी यानी कि दो हजार एक में लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता बेटा अठारह सौ नब्बे के लिए अठारह सौ नब्बे का कैलेंडर अठारह सौ नब्बे का कैलेंडर किसके समान होगा है ना अठारह सौ नब्बे का कैलेंडर किसके समान होगा उन्नीस है ना उन्नीस के अठारह का कैलेंडर क्या उन्नीस के समान होगा है ना? तो यहां पर 1890 का कैलेंडर 1901 के समान नहीं होता यहां पर हम डायरेक्ट 11 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 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 एक सेंचुरी ईयर है। मतलब इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो हम सेंचुरी ईयर क्रॉस करेंगे वो 1900 होगी और 1900 एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है तो यहां पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी तब यहां पे ना बेसिक कंसेप्ट काम आएगा फिर जो जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डे जीरो होंगे उसी का कैलेंडर हमारा समान होगा समझ रहे हो <coughs> तो ये ट्रिक तब तक काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हैं या फिर हम उस शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं जो लीप शताब्दी है तो ये ट्रिक हमारी काम कर रही है तो बेटा उन्नीस का कैलेंडर ग्यारह साल बाद रिपीट होगा दो में चलिए साहब दो का कैलेंडर कब रिपीट होगा बेटा 2019 का कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होगा बीस और तीस दो में है ना 2005 ये ईयर के तुरंत बाद, तो बाद, 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 बाद है तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा छह साल में, हो? ली पीर बाद 2011 क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद ये छह साल बाद रिपीट होगा दो हजार साल में जो ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो छह साल बाद रिपीट हो रहे हैं वरना सारे ग्यारह साल बाद रिपीट होते हैं हाँ अब आप बताओ ये ईयर के तुरंत बाद तो बेटा ये छह साल में रिपीट होना चाहिए था 1903 में लेकिन लेकिन ये 1903 में रिपीट नहीं होगा होना चाहिए था 1903 में लेकिन 1903 में रिपीट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अब जो आप सेंचुरी क्रॉस करोगे है ना अब जो आप सेंचुरी क्रॉस करोगे बेटा अब जो सेंचुरी क्रॉस करोगे वो उन्नीस है और उन्नीस एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है इसीलिए यहां पर छह और ग्यारह की ट्रिक काम नहीं करेगी अब आप क्या यूज करोगे बेसिक कंसेप्ट करो बेसिक बेटा ये तो आएगा 1909 क्यों आएगा देखो उन्नीस और 1909 के बीच में कितने साल का अंतर है 9 और 3 बारह साल का अंतर है प्लस बीच में ईयर कितने अठारह सो सत्तानवे ईयर नहीं अठानवनी निन्यानवे उन्नीस सौ नहीं उन्नीस सौ एक उन्नीस सौ दो उन्नीस सौ तीन उन्नीस सौ पहला लीपियर है उन्नीस सौ चार दूसरा है 1908 इन दोनों वर्ष के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो ही ईयर है आपको पता है इन बारह वर्ष के बीच में सिर्फ दो ही ईयर है सिर्फ दो और ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए क्या करते हैं प्लस ईयर बिकम्स ऑड डेज और चौदह तो 14, 14 का मतलब जीरो और जिन जिन दो वर्ष के बीच में ऑड डेज की वैल्यू जीरो होती है उन्हीं दोनों वर्ष का पूरा कैलेंडर समान होता है क्योंकि एक जनवरी का दिन समान हो गया तो दो का भी होगा तीन का भी होगा चार का भी होगा समझ रहे हो तो जहां पर छे और ग्यारह की ट्रिक काम ना करे जहां पर छ और ग्यारह की ट्रिक काम ना करे वहां पर हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा 2016 ये तो बेटा लीप ईयर है लीप ईयर रिपीट होता है अट्ठाईस साल बाद अट्ठाइस और छह चौतीस और दस चौवालिस दो में कुल कितनी बार बुधवार आएगा इस क्वेश्चन का आंसर दो 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? आएगा तो बेटा एक साल में कोई भी दिन एक साल में कोई भी दिन कम से कम बावन या ज्यादा से ज्यादा तिरपन बार आता है आपको पता है एक साल में कोई भी दिन कम से कम बावन या ज्यादा से ज्यादा तिरपन बार आ सकता है साल का पहला साल का पहला ऐसा दिन होता है जो उस साल में तिरपन बार आता नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन तिरपन बार आता है वो भी साल का पहला दिन या साल का आखिरी दिन क्योंकि एक जनवरी से तीस दिसंबर तक तीन सौ चौंसठ दिन होते हैं यानी कि एग्जैक्ट फिफ्टी टू वीक्स हर दिन फिफ्टी टू टाइम्स आ जाता है इकतीस दिसंबर वाला दिन जो होता है वो तिरपन बार आता है वही साल का पहला दिन होता है तो पहला या आखिरी दिन साल में तिरपन बार आता है लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में तीन दिन होते हैं तो लीप ईयर में साल के पहले दो दिन लीप ईयर में साल के पहले दो दिन या आखिरी दो दिन तिरपन बार आते हैं तो नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन आता है नॉर्मल ईयर में नॉर्मल ईयर में पहला या बोलो आखरी दिन ही उस साल तिरपन बार आएगा बाकी सारे दिन बावन बार आएंगे जबकि लीप ईयर में पहला कॉमा दूसरा ये दोनों दिन या फिर मैं बोल सकता हूं आखिरी के दो दिन आखरी के आखरी दो दिन आखिरी दो दिन बोले तो बेटा तीस दिसंबर और इकतीस दिसंबर वाला दिन पहले दो दिन बोले तो एक जनवरी और दो जनवरी तो लीप ईयर में दो ऐसे दिन होते हैं जो त्रेपन बार आ रहे होते हैं और नॉर्मल ईयर में पहला ही दिन है जो त्रेपन बार आ रहा होता है ये लीप ईयर है कुल कितनी बार बुधवार आएगा या तो बावन या त्रेपन पता कैसे चलेगा आपको निकालना पड़ेगा एक जनवरी 2020 को कौन सा दिन है ये निकालना पड़ेगा अब इसको निकालने के दो मेथड है या तो आप इसको आज की डेट से कंपेयर करके निकाल दो या तो आप इस दिन को आज की डेट से कंपेयर करके निकाल दो या फिर स्टैंडर्ड मेथड से आप एक जनवरी दो का दिन पता लगा लो आप स्टैंडर्ड मेथड से एक जनवरी 2020 का दिन पता लगा लो हम्म वही है टोटल डेज देखो मैं आपको बताता हूं आप टोटल ऑट डेज निकालो यहां से टोटल ऑट डेज कैलकुलेट करो पहले तो महीने हैं महीनों में सिर्फ जनवरी है जनवरी की तारीख एक है खत्म महीने तो खत्म हो गए अच्छा वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं दो हजार उन्नीस वर्ष कंप्लीट हुए हैं उन्नीस दो हजार बीस नहीं हुए बीसवीं तो वर्ष बेटा चल रही है है ना बीस मे के तो महीने हैं जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2019 हुए हैं और इतना याद रखना है ना 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं जिसको मैं लिख सकता हूँ 2000 हजार प्लस उन्नीस और लास्ट में इतना करना 19 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ देना पूछो क्यों हम लीप ईयर क्यों जोड़ रहे देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है हम टोटल डेज निकाल लें एक जनवरी में तो एक डेज आ गया 2000 वर्ष में कुल कितने डेज होंगे देखो कैलेंडर में हम जानते हैं सौ वर्ष दो सौ वर्ष तीन सौ वर्ष और चार सौ वर्ष पूरे सौ वर्ष में होते हैं पांच और डेज दो सौ में होते तीन ऑड डे तीन सौ में एक चार सौ में जीरो क्यों होते हैं बेटा ईयर्स प्लस लीप ईयर इसकी भी ट्रिक है। इसका क्या इसका कंसेप्ट क्या बेसिक कंसेप्ट देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है एक सेकेंड में एक मिनट में बता देता हूं हम जानते हैं ईयर्स में लीप ईयर कैलकुलेट कैसे होते हैं तो 100 वर्ष में बेटा कितने लीप ईयर होते हैं 24 200 वर्ष में चार से भाग दोगे पचास बार भाग जाएगा लेकिन दो लीप ईयर नहीं हुए सौ भी वर्ष और दो सौ भी वर्ष तो अड़तालीस तीन वर्ष में होते हैं बहत्तर चार वर्ष में होते हैं लीप ईयर और हम जानते हैं इयर्स प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज है ना तो सौ और चौबीस एक सौ चौबीस दो सौ प्लस अड़तालीस दो सौ अड़तालीस तीन सौ प्लस बहत्तर तीन सौ बहत्तर चार सौ प्लस सत्तानवे चार सौ सत्तानवे लेकिन ऑडियंस बेटा हमेशा सात या सात सात से कम होने चाहिए तो जब भी वैल्यू सात या सात से ज्यादा आ रही है तो आप सात से भाग करके छोटा कर दो सात से भाग करके रिमाइंडर निकालो सात कम सात बचे तो सत्य फाइनली पांच बचा सात से भाग करके छोटा करो तीन बचेगा सात से भाग करके रिमाइंडर निकालो एक निकलेगा सात से भाग करके रिमाइंडर निकालो जीरो तो इस तरह से हमें पता चलता है कि 100, 200, 300 और 400 वर्ष में कितने कितने डेज होते हैं 5310 थ्री वन ऑड डेज होते हैं 5310. थ्री वन ठीक है हाँ जी समझ गए तो अब इसी हिसाब से 400 की टेबल बना लो 400 की टेबल बना लो बेटा हमें चाहिए 2000 में ऑड डेज हमें चाहिए 2000 में ऑड डेज तो 2000 में कितने निकलेंगे जीरो ऑड डेज निकलेंगे 400 का मल्टीपल हो जाएगा 2000 अच्छा एक का तो एक हो ही गया अब 19 वर्ष में कितने ऑड डेज निकलेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था ईयर्स को ऑर्डेस में कैसे बदलते हैं जब ईयर्स में लीप ईयर जुड़ जाते हैं यही तो पढ़ रहे हम इतनी देर से है ना तो सात एकम सात मतलब चार से भाग दो कितने लीप ईयर होंगे उन्नीस में उन्नीस में कितने लीप ईयर होंगे चार चौक सोलह चार बार भाग जाएगा चार लिपिया बस 19 और चार 23 तो बेटा 23 और एक 24 24 का मतलब सात या इक्कीस बचे तीन अच्छा तीन का मतलब कौन सा दिन है तीन का मतलब आपको पता है जब हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो कैलेंडर का सबसे पहला दिन कौन सा था जानते हो आप हैं वॉज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर जब हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी ना तो जो सबसे पहला था बेटा आज के दिन से कंपेयर करके तो तुम निकाल ही दोगे उसकी तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी ये दूसरा मेथड दिन निकाल हाँ जी तो जो सबसे पहला दिन था ना कैलेंडर का वो मंडे था मंडे वाज द फर्स्ट डे ट्यूसडे वाज द सेकंड डे वेस्डे बोज थार्सडे वेस्डे द थर्ड डे थर्सडे मॉज द फोर्थ डे फ्राइडे द फिफ्थ डे सैटरडे द सिक्स डे और संडे था बेटा दिन तो सबसे पहला दिन था कैलेंडर का मंडे हमारा कौन सा दिन निकला है तीन तीन का मतलब यानी कि एक जनवरी 2020 को अगर आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो एक जनवरी 2020 को वेंसडे निकलेगा और ये लीप ईयर का पहला दिन है वेंसडे और लीप ईयर में पहले दो दिन है जो साल में तिरपन बार आएंगे तो वेंसडे कितनी बार आ जाएगा तिरपन बार आ जाएगा ना कि बावन बार ठीक है <coughs> कितनी बार आ जाएगा त्रेपन बार ना कि बावन बार 2020 में कुल कितने रविवार आएंगे अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार आएंगे अगस्त 2020 में बेटा मंथ का सिनेरियो हमें पता है मंथ में अगर मान लो कोई अट्ठाईस तारीख का महीना है तो कोई भी दिन पांच बार नहीं आ सकता उन्तीस तारीख थारी के महीने में सिर्फ पहला दिन पांच बार आता है तीस तारीख के महीने में पहले दो दिन पांच बार आते हैं और इकतीस तारीख के महीने में पहले तीन दिन पांच बार आते हैं तो अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार होंगे या तो चार होंगे या पांच होंगे महीने में कोई भी दिन चार या पांच बार ही आ सकता है इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एक अगस्त 2020 का दिन क्या है कैसे निकालोगे बेटा डायरेक्ट तो ऑड डेज निकालो हमें अगस्त तक पहुंचना है तो पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और फिर वर्ष कितने है बेटा 2000 प्लस 19 वर्ष पूरे हुए 19 और 19 में आई हुई ईयर 19 में आए हुए तो जनवरी में कितने है? तीन फरवरी बेटा 2020 की है फरवरी 2020 की है एक मार्च में तीन अप्रैल में दो है ना मई में तीन जून में दो जुलाई में तीन अगस्त की दी हुई तारीख एक 2000 में कितने ऑर्डेस होंगे जीरो 400 का मल्टीपल चार चौक सोलह चार उन्नीस और चार तेईस अच्छा तेईस को छोटा कर दो सात इक्कीस बचे दो तो तीन और एक चार और तीन सात सात का मतलब जीरो दो और तीन पांच और दो सात सात का मतलब जीरो तीन और एक चार चार और दो छाइनली छलेंडर का छठा दिन बताना कौन सा था कैलेंडर का छठा दिन भैया कैलेंडर का जो छठा दिन था डेट वॉज सटरडे कैलेंडर का छठा दिन क्या था सटरडे था एक अगस्त 1 अगस्त 2020 को सैटरडे था तो पहला दिन सैटरडे था दूसरा दिन संडे भैया पहला दिन हो गया सैटरडे दूसरा दिन हो गया संडे और तीसरा दिन हो गया मंडे तो ये तीन ऐसे दिन होंगे जो उस महीने में पांच होंगे पांच सैटरडे संडे मंडे ये तीनों पांच बार आएंगे तो बेटा कितने संडे हैं पांच संडे हैं क्योंकि दो का भी संडे है देखो दो का भी संडे है दो और सात नौ और सात सोलह और सात तेईस और सात तीस ये सारे संडे हैं अगस्त में तो कुल मिला के कितने संडे आ गए पांच संडे आ गए इकतीस तारीख के महीने में पहले जो तीन दिन होते हैं वो उस महीने में पांच हो जाते हैं तीस तारीख के महीने में पहले दो दिन पांच होते हैं और उनतीस तारीख के महीने में पहला ही दिन पांच होता है, है ना जी बेटा कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन होता है शताब्दी हमारी चार प्रकार की होती है शताब्दी हमारी चार प्रकार की होती है पहली दूसरी तीसरी चौथी और जो सेंचुरीज के और डेज होते हैं ना वो 5 3 1 0 यही सेंचुरी के लास्ट डे भी है यही सेंचुरी के लास्ट डेज है 5 का मतलब क्या हो गया फ्राइडे 3 का मतलब वेडनेसडे 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे तो कोई भी जो सेंचुरी होती है उसके जो लास्ट डे होते हैं वो संडे मंडे वेन्सडे फ्राइडे होते हैं इसके अलावा कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता कोई सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता इसके अलावा अच्छा एक चीज और बेटा जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है आपको पता है दो हजार वर्ष है ना आप बता सकते हो ये जो 2024 वर्ष है ये किस शताब्दी का 24वां वर्ष है बेटा ये 21वीं शताब्दी चल रही है 21वीं शताब्दी का 21वीं शताब्दी का चौबीसवां वर्ष है इक्कीसवीं शताब्दी का चौबीसवां वर्ष ये वही बात है बेटा जब जब आप क्रिकेट मैच देखते हो थ्री पॉइंट फोर ओवर देखते हो तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है चौथे ओवर की चौथी बॉल है चौथे ओवर की चौथी बॉल है चौथे ओवर की चौथी बॉल यही तो होता है इसका मतलब ये तीसरे ओवर की चौथी बॉल नहीं होती चौथे ओवर की चौथी बॉल होती है तो वैसे ही इक्कीसवीं शताब्दी का चौबीसवां वर्ष है तो हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं वो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है इक्कीसवीं सेंचुरी एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कैलेंडर में सिर्फ चार ही प्रकार की शताब्दी होती है पहली दूसरी तीसरी चौथी यही चार शताब्दी बेटा बार बार रिपीट कर रही है तो जो बेसिकली इक्कीसवीं शताब्दी है ना वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस चार से भाग दोगे एक रिमाइंडर बचेगा तो जो इक्कीसवीं शताब्दी है बेसिकली वो पहली ही शताब्दी है कैलेंडर में सिर्फ यही चार प्रकार की शताब्दी होती है इनके अलावा कोई शताब्दी होती ही नहीं है या तो पहली होगी या दूसरी या तीसरी या चौथी ना तो कोई कैलेंडर में इक्कीसवीं शताब्दी है ना बाईसवीं ना तेईसवी कैलेंडर ऐसे बेटा रिपीट हो रहा है रिपीट। लगा हुआ है समझ हम पहली ही शताब्दी जी रहे हैं हम कौन सी शताब्दी जी रहे हैं हम पहली शताब्दी जी रहे हैं पहली शताब्दी का चौबीसवा साल है ये इसीलिए एग्जाम एक में क्वेश्चन बनता है शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन से रिलेटेड तो ये जो सेंचुरी के और डेज थे यही सेंचुरी के लास्ट डे हैं समझ रहे हो तो कोई भी शताब्दी खत्म होगी संडे मंडे वेन्सडे फ्राइडे पर ही खत्म होगी यही अंतिम दिन हो सकता है इसके अलावा कोई भी दिन अंतिम नहीं हो सकता तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते तो अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता ट्यूसडे संडे हो सकता है मंडे हो सकता है वेन्सडे हो सकता है लेकिन इस कंसेप्ट से आप एक चीज और बता सकते हो आपको ये भी पता है कि पर्टिकुलर किस सेंचुरी का कौन सा लास्ट डे है जैसे चौथी जितनी भी जैसे मैं कहूँ सोलहवीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है तो सोलह शताब्दी चौथी शताब्दी है उसका आखिरी दिन क्या है संडे तो सोलह शताब्दी का आखिरी दिन पता है क्या है संडे है इकतीस दिसंबर दो इकतीस दिसंबर सोलह को आप चेक करोगे ना तो संडे निकलेगा जैसे इक्कीसवीं शताब्दी है हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं पता है इस शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा इकतीस दिसंबर इक्कीस सौ 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है पता क्या होगा 21वीं शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी पहली शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे तो 21वीं शताब्दी का भी आखिरी दिन क्या होगा फ्राइडे ही होगा किसी भी पर्टिकुलर सेंचुरी का लास्ट डे आप बता सकते हो अच्छा सेंचुरी की अगर लास्ट डे बता दिए तो सेंचुरी के फर्स्ट डे भी तो बता सकते हो इसी से ही भाई सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी पहली फ्राइडे पे ख़त्म हुई उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी दूसरी वेंसडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू हो जाएगी तीसरी मंडे पे ख़त्म हुई उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी चौथी संडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शुरू हो जाएगी पांचवी मतलब पहली तो ये शताब्दी के फर्स्ट डे होते हैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और जो फर्स्ट डे नहीं होते वो कौन कौन से दिन है संडे वेस्टे और फ्राइडे कहने का मतलब है जो फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते एक्सेप्ट मंडे मंडे दोनों में कॉमन है मंडे के अलावा बाकी सारे दिन अलग अलग है मंडे के अलावा बाकी सारे दिन अलग अलग हैं तो ये सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डेज होते हैं इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता तो संडे वैसडे फ्राइडे प्रथम दिन नहीं हो सकते बाकी ये हो सकते हैं हम्म अंकिता का जन्म 6 मार्च 2004 को हुआ है बहुत अच्छी बात है 6 मार्च 2004 को पैदा हुई है और उस दिन रविवार था तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर कब मनाएगी दोबारा से रविवार कब आएगा बेटा 6 मार्च को 6 मार्च को दोबारा से रविवार कब आएगा इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा 2008 में आएगा लौट के रविवार सर चार साल का अंतर है और की वैल्यू जीरो नहीं होगी 2009 में आएगा 2009 सर पांच साल का अंतर है प्लस बीच में एक ही लीपियर है 2008 हजार आठ दो हजार चार ऐसे लीपियर नहीं आएगा क्योंकि मार्च से फरवरी पहले छूट चुकी है क्या दो में आएगा संडे दो चेक करना बेटा टोटल ऑड डेज कितने साल का अंतर है छह साल का अंतर है प्लस लीप ईयर 2004 2008 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा क्योंकि 6 मार्च का मतलब है 29 फरवरी पहले ही छूट गई तो बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा 2008 तो छह और एक साथ ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज 0 0 का मतलब सेम डे तो बेटा 6 मार्च 2004 को भी संडे है 6 मार्च 2010 को भी संडे है तो अंकिता दोबारा अपना बर्थडे जो संडे में सेलिब्रेट करेगी वो 2010 में करेगी हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा तुम भाग गए भाई पढ़ने का मूड नहीं है तुम्हारा है बनाओ फटाफट से बेटा कैलेंडर के सारे टाइप कराती है सारे के सारे टाइप समझ रहे हो आजी, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है तीन को सात से भाग करके छोटा करो सात पंजे पैतीस बचा एक सात दो चौथा कितना बचा एक यानी कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है जबकि सुदेश कपिल से साठ सप्ताह बड़ा है साठ सप्ताह का मतलब बेटा जीरो होता है जीरो और डेज यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ बेटा सुदेश कब पैदा हुआ रविवार को क्या आप मुझे बता सकते हो कपिल कब पैदा हुआ सुदेश रविवार को पैदा हुआ है तो कपिल कब पैदा हुआ होगा कपिल कब पैदा हुआ होगा सर अगर सुदेश रविवार को पैदा हुआ है तो कपिल सुदेश जो है कपिल से साठ सप्ताह बड़ा है कपिल से साठ सप्ताह बड़ा है सप्ताह का मतलब जीरो और डेज यानी कि जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कपिल भी पैदा हुआ यानी कि सुदेश संडे तो कपिल भी संडे क्योंकि दोनों में सिक्सटी वीक्स का डिफरेंस है जैसे कि मान लो तुम फ्राइडे को पैदा हुए तुमसे एक सप्ताह बाद कोई होगा तो वो भी तो फ्राइडे को ही पैदा होगा तो दोनों का बर्थडे सेम डे हो गया संडे संडे अच्छा कपिल जो है संडे को पैदा हुआ और कपिल कृष्णा से तीन दिन बड़ा है तीन दिन बड़ा है मैं ये भी कह सकता हूं एक दिन बड़ा है तो हम बड़े से छोटे पर जा रहे हैं तो जब हम कैलेंडर में बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हम आगे जाते हैं पीछे सरोबे सी बात है हम आगे जाते हैं तो कपिल और कृष्णा के बीच में एक और डेज है एक और कपिल से कृष्णा जा रहे हैं तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं बड़े से छोटे पे जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं फ्यूचर में 1980 डेट ऑफ बर्थ से 1990 डेट ऑफ बर्थ बड़े से छोटे आगे जा रहे हैं तो संडे प्लस वन मंडे तो बेटा कृष्णा कब पैदा होगा कृष्णा मंडे को पैदा होगा माइनस नहीं भैया प्लस वन करेंगे कोई तुमसे अगर एक दिन बड़ा है है ना तो वो तुमसे पहले पैदा होगा ना कि बाद में बड़ा वाला पहले पैदा होता है छोटा बाद में बड़ा वाला संडे को हो गया उसके बाद मंडे को छोटा पैदा होगा एक दिन बाद प्लस करोगे ना है ना चलिए साहब नेक्स्ट 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था देखो भैया वही आ गया डायरेक्ट डायरेक्ट ऑड कैलकुलेट करो दस अगस्त 2020 अभी मैंने ट्रिक सिखाई आपको यहां से काउंट करो पहले आएगा जनवरी जनवरी के तीन फरवरी बेटा 2020 की है यानी कि एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की दी हुई तारीख दस प्लस 2000 इतना याद रखना बेटा 20 नहीं करते 19 इससे एक कम वर्ष हमेशा कंप्लीट होता है हमेशा एक कम क्योंकि जो 2020 करंट करेंट ईयर है ना उसके तो ये मंथ्स हो गए ये सारे मंथ्स किसके हैं ये सारे मंथ्स जो हैं वो 2020 के हैं ना तो वर्ष कितने पूरे होंगे 2019 और 19 में आए हुए लीप ईयर जुड़ जाने हैं बस चार चौक सोलह चार ईयर इतना याद रखना यही हमारा फाइनल आंसर है यही फाइनल आंसर है दस को छोटा कर दो तीन दो में कितने वे होंगे जीरो चार में जीरो दो में जीरो सात दो चौदह कितना बचा पांच तीन और एक चार और तीन सात और दो नौ और तीन बारह और दो चौदह और तीन सत्रह और तीन बीस और पांच पच्चीस और चार उन्तीस उनतीस का मतलब एक कैलेंडर का पहला दिन और कैलेंडर का पहला दिन क्या था कैलेंडर का पहला दिन था मंडे मंडे वॉज द फर्स्ट डे है ना कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था मंडे था बहुत बढ़िया तुम्हें मजा नहीं आ रहा तुम क्या रहे हो यहाँ पर चलिए पंद्रह अगस्त उन्नीस को पता होना चाहिए कौन सा दिन था भैया हमें आज़ादी कम मिली थी बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए कि हमें आजादी कम मिली थी है ना जनवरी फरवरी उन्नीस सौ सैंतालीस की है, जीरो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में पंद्रह और उन्नीस को हम लिख सकते हैं सोलह सौ सो प्लस तीन सो और छियालीस वर्ष कंप्लीट होंगे छियालीस और छियालीस में आई हुई लिपियर कितने ग्यारह चौक चौवालीस है ना तीन और तीन छ और दो आठ और तीन ग्यारह और दो तेरह तेरह और तीन तेरह और तीन सोलह सोलह और एक सत्रह ये तो जीरो हो गया और सौ दो सौ तीन ये वाली टेबल होती है ना सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पांच तीन एक जीरो तीन सौ में होते हैं एक सात छियालीस चार सात एक साथ, चार, साथ एक चार क्या था तीन और तीन और दो आठ और तीन ग्यारह और दो तेरह और तीन सोलह और एक सत्रह और एक अठारह और चार छब्बीस चार 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 चार। कैलेंडर पांच। पांच का पांचवाइडे मतलब पांचवा फ्राइडे छब्बीस पांच जनवरी 1950 आपको पता होना चाहिए उस दिन फ्राइडे था और इस दिन थर्सडे था भैया छब्बीस जनवरी तो 26 जनवरी का 26 ही आ गया और उनचास और उनचास में आये लीप ईयर बारह चौक अड़तालीस उन्नीस सौ में कितने और डेज होंगे एक सोलह सौ सो प्लस तीन सौ जीरो प्लस एक एक सात इक्कीस कितना बचा पांच सत्तर उनचास कितना बचा? जीरो बचा पांच पांच और एक छह और पांच ग्यारह ग्यारह का मतलब चार कैलेंडर का चौथा दिन चौथा दिन क्या था कैलेंडर का चौथा दिन थाना पांच मार्च सत्रह सो छब्बीस को कौन सा दिन था देखो जनवरी फरवरी फरवरी बेटा दो सत्रह सो छब्बीस की है यानी कि जीरो फरवरी मार्च में पांच सत्रह सो को कैसे लिखेंगे सोलह सो प्लस सौ और छब्बीस की जगह पच्चीस और पच्चीस में आई हुई लीपी और चार्जिंग चौबीस खत्म कहानी सोलह सो को छोटा करो जीरो सौ में कितने होते हैं पांच ऑंटे सात इक्कीस कितने बचे चार तीन और पांच आठ आठ और पांच तेरह तेरह और चार सत्रह सत्रह और छह तेईस तेईस का मतलब दो ऑडेस तेईस का मतलब दो ऑडेस और, और दूसरा दिन कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था मंडे ट्यूसडे पहला दिन मंडे दूसरा दिन क्या था दूसरा दिन ट्यूसडे दूसरा दिन क्या था दूसरा दिन था ट्यूसडे चलिए बताइए ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद यानी कि 18, 19, 20, 21 से पहले था जबकि उसके भाई को याद है कि 19 के बाद यानी कि 20, 21, 22 और 23, क्योंकि 24 से पहले था तो इनकी जो कॉमन डेट होगी फाइनली बर्थडे उस दिन था कॉमन डेट क्या हो गई बीस तारीख होगी अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो कोई दिन चौबीस की वजह तीस घंटे का हो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये है इमेजनरी कैलेंडर और इमेजनरी कैलेंडर अभी तक दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो इमेजनरी कैलेंडर पर आधारित हैं जो दुनिया के किसी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं इसीलिए इन क्वेश्चंस की आपको कोई आवश्यकता कोई ज़रूरत किसी भी प्रकार की नहीं है तो कुल मिला कुल मिला कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चन आप आपने बना लिए ठीक है कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिए और फाइनली ये हुआ खत्म चैप्टर इसकी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो गई पूरी की पूरी कौन से दो महीने हैं जिनका पहला दिन समान होता है मंथ्स के बीच में ऑड डे जीरो निकाल लो बेटा उनचास में क्या दिक्कत हो गई उनचास वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई तुम्हें कपिल कृष्णा से तीन दिन बड़ा है तीन का मतलब एक और डे हो गया भाई से भाग दो एक ही तो बचे तो बचेगा कपिल कृष्णा से तीन दिन बड़ा है या कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, बात एक ही है। तो कपिल अगर संडे को पैदा हुआ तो कृष्णा उसके एक दिन बाद पैदा होगा यानी कि मंडे को बस यही तो क्वेश्चन था चलिए तो भाई जिन जिन का कल यूपी पुलिस का एग्जाम है उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं विशु वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम तोड़ दो फोड़ दो वर्दी तुम्हारे हाथ होनी चाहिए इस बार ठीक है लव यू ऑल लव यू गाइज टेक केयर मिलते हैं सीधा आप सीधा आपसे अगले हफ्ते को क्योंकि आज है वीकेंड का वार ठीक है कल का पेपर होगा हो सकता है कल लाइव आ जाए पेपर डिस्कसन करने ठीक है तो चांसेस है कि कल लाइव आ सकते हैं पेपर डिस्कस करने वरना तो मुलाकात सीधा मंडे को होगी नेक्स्ट वीक ठीक है लव यू ऑल गुड बाय थैंक यू सो मच लव यू पीडीएफ वीडियो सब मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन